चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एकेडमी। एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, नमस्कार, सुस्वागतम, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आज के अध्याय की शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये यार ये बदल ही नहीं पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस, है ना। ये एमपी की क्लास चल रही है, इसको मैं बदल नहीं पाया, आज भी ये भूल जाता हूँ, आज इसको बदल देंगे। चलिए, हम एमपी आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे थे और एमपी आर्ट एंड कल्चर में हमने कल कुछ फोक डांस, लोक गीत एवं लोक नृत्य देखे थे, फोक सॉन्ग एज वेल एज फोक डांस भी हमने देखे थे। उसी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। कल हमने जो देखा था उसमें हम बात कर चुके थे निमाड़ क्षेत्र की, बात कर चुके थे लोक गीत और लोक नृत्य देख चुके थे। इसके अलावा मालवा क्षेत्र के लोक नृत्य और लोक गीत जो है वो देख चुके थे, है ना। आज हमें जो कहानी चालू करनी है, आज हमें कहानी, हम बुंदेलखंड के भी लोक गीत जो है वो देख चुके थे, मतलब फोक सॉन्ग जो है वो देख चुके थे, फोक डांस मेरे ख्याल से आज से हमें शुरू करने थे, है ना। लोक नृत्य जो है वो हमें देखने थे। क्लियर, गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। अब लोक नृत्य जो है वो हम बुंदेलखंड से कहानी को शुरू कर रहे हैं कि भाई बुंदेलखंड में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं। अच्छा, अभी तक किसी को कोई डाउट, दिक्कत, संदेह, समस्या हो तो पूछ लो पहले, ताकि मैं कहानी जो है वो फिर शुरू करूँ और फिर बीच बीच में आपके ऑब्जेक्शन ना आए। मसनी और गायब खोज के बाद खिचड़ी भूमिका क्लियर है, रिवाइज भी कर लिया। अच्छा, रिवाइज कर लिया क्या, चलो बताओ। बेरायता, बेरायता जो है वो क्या है, लोक गीत है, लोक संगीत नहीं, लोक नाट्य है, लोक नृत्य है, क्या है। अच्छा ठीक है, बेरायता जो है, बेरायता जो है ये कहाँ पर है, ये बुंदेलखंड का है, मालवा का है, निमाड़ का है, कहाँ का है, याद तो करे। चलिए, पतंग डांस जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, पतंग नृत्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, बच्चों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ठीक है। हरदोल की मनोती जो है वो किस जगह पर फेमस है, हरदोल की मनोती किस जगह फेमस है, बुंदेलखंड में। ठीक है, कलगी टुर्रा कहाँ पर होता है, कलगी टुर्रा निमाड़, मतलब सब रट के आया हो, बढ़िया है, बेहतरीन है। फिर आज क्वेश्चन और डाल दूंगा मैं, है ना। आज शाम को 4 बजे वाली क्लास में, 4 बजे 4 PM पर जो आपकी YouTube क्लास रहेगी, इसमें जो आज पढ़ाऊंगा ना उसके भी कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा जो प्रीवियस ईयर पूछे होंगे, फिर मेरे बनाए हुए तो आगे चलकर मैं डालता रहूंगा। अभी तक 40 क्वेश्चन बना लिए हैं, धमाकेदार बना लिए हैं, आज 40 क्वेश्चन और बनाऊंगा अभी क्लास के बाद में, तो टोटल 70-80 क्वेश्चन रहेंगे धुआंधार MPJ के में। आज और तबाही मचाएंगे, आज तो और मैप वैप भी लेके आया, करेंगे कुछ। हाँ देखते हैं, अगर बन गए 40 क्वेश्चन और तो 3 घंटे 4 घंटे की, 3 घंटे की होगी मिनिमम, नहीं तो फिर 2 घंटे से तो ऊपर की रखेंगे ही। चलिए, तो आज की कहानी को शुरू करते हैं। आप पढ़ रहे हैं अकेडमी पर, इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, अभी देख रहे हो फ्री क्लास, यहाँ से प्लस की तरफ आपको आना चाहिए। फ्री क्लास जो है वो लिमिटेड होती है, कभी कभार ही होती है, आप देख रहे हो मंथ में कल से ही चालू करी है। अब एक क्लास 8:30 बजे है और इसके बाद अगली क्लास आपकी होगी 12:15 बजे, तो इसके आगे का उसमें पढ़ाऊंगा ना, ये सुबह रहेगी ये शाम को रहेगी, कल भी यही सीन चलेगा। फिर प्लस पर अगर आप आते हो तो आपको बहुत सारे फायदे हैं कि आपको फेवरेट टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, आपको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग फॉर्मेट मिलेगा, पूरा की पूरा सिलेबस एक बार में कंप्लीट कराया जाएगा, अलग अलग बैच कोर्स होते हैं, डाउट सेक्शन आपके जो डाउट है वो सॉल्व करे जाते हैं। फिर एक नया हमने चालू किया है मेंटरशिप प्रोग्राम, इसमें आपको एक मेंटर अलॉट कर दिया जाता है, उसके साथ स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो, आंसर चेक करा सकते हो, सो ऑन। देन फिर अलग अलग बैच कोर्स आते हैं, बट बैच कोर्स के पहले कल और आज ये लास्ट डे बचा है जब आपको इतना भारी डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें 20% ऑफ और 3 महीने तक का एक्सटेंशन मिल रहा है। अब इसमें आप देख रहे हो कि 3630 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक के आसपास का डिस्काउंट जो है वो हो रहा है। अब ये व्यापम पर भी लागू है, सभी पर लागू है। फिर हम बैच लेके आ गए, अगर आप अपना पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हो, किसी एक बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ऐप पर आपको स्टोर नामक ऑप्शन मिलेगा और उसमें आपको ये बैच जो है मात्र 2250 रुपये में इस बार के प्रीलिम्स के लिए मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको यूनिट 7 और यूनिट 9 जो है वो कम्प्लीट करा के दूंगा। देन फिर अनअकैडमी के ही प्लस पर आपको FLT भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है, नोट्स आपको PDF में मिल जाते हैं। फिर अलग अलग बैच कोर्स आते हैं, 2 बैच ये है, एक अगले साल के प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए, एक इस बार के प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए। फिर ये मेरी प्रोफाइल है, जिसने फॉलो नहीं किया है या आपसे फॉलो कर लेना, तभी आपको क्लासेस की लिंक जो है वो मिलती रहेगी। अब आज की कहानी को शुरुआत करते हैं।
हम कल पढ़ चुके थे, मतलब बुंदेलखंड के हमें डांस चालू करने थे, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए फोक डांस ऑफ बुंदेलखंड, फोक डांस ऑफ बुंदेलखंड, फोक डांस ऑफ बुंदेलखंड, है ना। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के, बुंदेलखंड के लोक नृत्य, बुंदेलखंड के लोक नृत्य, है ना। हमें देखने हैं कि भाई फोक डांस बुंदेलखंड में किस किस तरह के डांस होते हैं, उनके बारे में हमें बात करनी है। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। बुंदेलखंड की अगर हम बात करें, मैंने पहले पूरी लिस्ट आपको नहीं लिखवाई होगी ना। हाँ, पहले इसकी लिस्ट लिख लो कि भाई बुंदेलखंड से कौन कौन से फोक डांस है ना। ये बहुत सारे डांस है तो ये आपको पता होना चाहिए। बुंदेलखंड में कल्चरल जो है ना वो कुछ ज्यादा ही, जैसे मालवा में हमने देखा था ना बहुत सारे डांस थे, आड़े तिरछे थे कि आड़ा खड़ा है, रजवाड़ी है ना, मटकी है, फिर पतंग है, झाला है, फूल पत्ती है, वैसे ही आपको बुंदेलखंड में भी बहुत सारे मिलेंगे, पर नाम वैसे अटपटे नहीं मिलेंगे ना। इनके नाम थोड़े से अलग तरह के हैं। कौन कौन से हैं तो मैं कुछ आपको बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले लिखेंगे राई डांस, राई डांस है ना, राई नृत्य। फिर सेकेंड लिखेंगे क्या, सेकेंड लिखेंगे सेरा डांस, सेरा नृत्य। अब डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आता है कि भाई सेरा नृत्य जो है वो कहाँ पर होता है ना, बधाई डांस जो है वो कहाँ पर होता है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। फिर चौथे नंबर पर क्या लिखेंगे, चौथे नंबर पर लिखेंगे कनाडा डांस, ये भी अभी रिसेंट में ही पूछा गया है ना, कनाडा है ये, कनाडा, कैनेडा वाला है ना कनाडा, बस वो वाला कनाडा डांस है। फिर फिफ्थ लिखेंगे धीमी रई डांस, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है धीमी रई डांस का, ये भी पूछा गया है, धीमी रई डांस, धीमी रई, स्पेलिंग गलत हो सकती है हिंदी इंग्लिश दोनों में, थोड़ा सा देख लेना। फिर सिक्स्थ जावरा डांस, ये आपने मतलब हम सभी लोग जो है इस पे करते हैं नवरात्रि के टाइम पर करते हैं, आपको इसके बारे में पता होगा। फिर जावरा डांस के बाद में सेवंथ नंबर पर लिखेंगे क्या, कलश डांस, कलश डांस भी ऑलमोस्ट सभी क्या होता, शादी वादी में नहीं होता, घर की महिलाएं या घर की लड़कियां जो है वो कलश वलश रखती है, तो वही है कलश डांस। फिर इसके बाद में है रावला डांस, है ना, रावला डांस। फिर नाइन्थ नंबर पर लिखेंगे बरेड़ी, फिर टेंथ नंबर पर लिखेंगे नौराता, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नौराता भी। फिर इलेवेंथ नंबर पर लिखेंगे क्या, चीकट, ठीक है, इलेवेंथ नंबर पर लिखेंगे चीकट, अच्छे से इतना चिकटा नाम है कि लिखा ही नहीं रहा है, चिकट, ठीक है। फिर ट्वेल्थ नंबर पर लिखेंगे लाकोर, लाकोर। फिर थर्टीन नंबर पर लिखेंगे कतिकिया, कतिकिया, ठीक है। और फिर फोर्टीन नंबर पर लिखेंगे राज बधाया, राज बधाया, राज बधाया, ठीक है। और 15 नंबर पर लिखेंगे रावला, लिखवा दिया क्या, लिखवा दिया रस, रस, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सारे आपको डांस देखने को मिल जाते हैं, करीबन 15 डांस है। अब 15 डांस आपको एज इट इज पूरे रटने हैं क्या, तो नहीं, 15 डांस के बारे में सबके बारे में एक जैसी डिटेलिंग हमें नहीं चाहिए, कुछ डांस के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे बधाई डांस है, सेहरा डांस है ना, फिर इधर बरेड़ी है, नौराता है ना, धीमरई है, जावरा है, इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है। बाकी सब में एक ही क्वेश्चन जो है वो आपसे बार बार पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि भाई ये नृत्य जो है ये किस क्षेत्र में होता है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है। तो आपको ये लिस्ट तो याद करनी पड़ेगी कि भाई ये 15 जगह पर क्या होता है, ये 15 जगह पर लोक नृत्य जो है वो बुंदेलखंड लोक नृत्य जो होता है, या बुंदेलखंड में ये लोक नृत्य जो है वो होते हैं, है ना। अब किसी को लग रहा है हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं लिख रहा हूँ, तो ये सिर्फ नाम थे इसलिए मैंने इसमें हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखा है ना, वरना आगे जो पढ़ाऊंगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। रस है ना, या रास जो भी आप कह लो, है ना, इसको रास भी कहा जाता है, रस भी कहा जाता है। चलिए तो इतना लिख लिया क्या, लिख लिया हो तो बताओ, तो आगे बढ़े भाई, कहानी आगे बढ़ाए। चलिए अब सबसे पहले लिखिए राई के बारे में, है ना, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, ये मेंस तक में पूछा गया है, राई डांस, राई नृत्य, राई नृत्य,
ये मेंस तक में पूछा गया है, इसीलिए इसको विशेष विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, है ना। अगर राई नृत्य की बात करें तो सबसे पहला तो वनडे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किस स्थान पर राई नृत्य जो है वो होता है ना, किस स्थान पर होता है। तो ये बहुत सिंपल सा हो गया कि यार ये आपको बुंदेलखंड में देखने को मिलेगा, है ना। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बुंदेलखंड में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, राई नृत्य जो है वो देखने को मिल जाएगा। फिर किस ओकेशन पर होता है, किस उत्सव पर होता है ना, बोले जब जब खाना बनता तो राई डाल देते और डांस करते भंगड़ा पाल लेते, है ना। नहीं, ये वैसा नहीं होता, ठीक है, ये कुछ और है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे, है ना। किस उत्सव पर होता है, किस ओकेशन पर होता है, तो ये घर में जब कोई अच्छा माहौल, कुछ ऐसा उत्सव, शादी ब्याह के उत्सव जो रहते हैं उस टाइम पर होता है। जैसे कि बर्थ की बात करें, किसी बच्चे का जन्म हुआ है ना, तो बहुत खुशी का समय रहता है, तो उस टाइम पर होता है ना। फिर बच्चे का मुंडन संस्कार हो रहा है, उस टाइम पर होता है। या जैसे कह लीजिए किसी की शादी हो रही है, तो उस टाइम पर हमें क्या देखने को मिलता है ना, ये देखने को मिलता है। किसके टाइम पर, शादी के टाइम पर देखने को मिलेगा, मुंडन के टाइम पर देखने को मिलेगा, जन्म के टाइम पर देखने को मिलेगा आदि। मतलब जितने भी ऐसे उत्सव है उसमें हमें ये उत्सव देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं राई नृत्य कहते हैं। अब राई नृत्य में एक और चीज सबसे पहले देख लो, इंस्ट्रूमेंट है ना, जो इसमें वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास में भी आपने देखा होगा, जब मैंने एमसीक्यू पूछे थे तो मैंने आपको बताया था कि भाई वाद्य यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो इसका विशेष विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। वाद्य यंत्र की बात करें तो इसमें आपको दो तीन चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे मृदंग देखने को मिलेगा, है ना, मृदंग देखने को मिलेगा, बेदनी देखने को मिलेगा, नगाड़े देखने को मिलेंगे, ढोलक देखने को मिलेगी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है ना। लेकिन अब ये इतने सारे यंत्र एक ही उसमें यूज नहीं होते, है ना, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है वो मैं अभी आपको आगे क्लियर करूंगा कि कहीं पर बेदनी और मृदंग का उपयोग किया जाएगा, कहीं पर ढोल नगाड़े का उपयोग किया जाएगा, इस तरीके से किया जाएगा। हाँ, बेदनी, है ना, इसे क्या कहा जाता है, बेदनी कहा जाता है। लोकल यंत्र होते हैं जैसे क्या कहा जाता है, बेदनी कहा जाता है। चलिए, यहां तक क्लियर है, समझ में आया क्या? कौन सी कास्ट है जो ये डांस करती है? बेसिकली अगर आपसे जाति बस पूछ लिया जाए कि भाई जाति के हिसाब से कौन सी जाति जो है इस डांस को करते हैं, तो आप देखेंगे अहीर जाति जो है डांस को लेकर तो ज्यादा ही उत्सुक रहती है। अहीर जाति के द्वारा ये डांस किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अहीरों के द्वारा ये डांस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। किसके द्वारा? अहीरों के द्वारा ये राही डांस आपको देखने को मिल जाएगा। फिर ये कौन करता है, परफॉर्मर कौन रहता है? तो परफॉर्मर इसमें वैसे तो महिला पुरुष दोनों करते हैं, लेकिन बेसिकली जो इसमें होता है ना, इसमें पुरुष करते हैं। मैन इन ड्रेस ऑफ वुमेन, मैन इन ड्रेस ऑफ वुमेन, पुरुष करते हैं महिला के, पुरुष करते हैं महिला के कपड़ों में, है ना, या महिलाओं के जो भी क्या कहेंगे, हाँ कपड़ों में, है ना, महिला के कपड़े पहनकर, हाँ महिला के पोशाक पहनकर, वेश बनाकर, जो जैसे भी आप कहें, ठीक है, हाँ हाँ वो बस समानार्थी आपने ढेर लिख दिए, ठीक है। अब याद रखिएगा, इसमें परफॉर्मेंस जो दी जाती है इसमें कौन कर रहे हैं? पुरुष डांस कर रहे हैं महिला की वेशभूषा धारण करके। लेकिन एक और चीज याद रख लेना, ये दोनों भी करते हैं, मेन प्लस विमेन, पुरुष एवं महिलाएं दोनों भी करती हैं। लेकिन जब पुरुष अकेले करते हैं तो इसमें भी क्या करते हैं, महिलाओं की ड्रेस जो है वो धारण करते हैं। क्लियर हुआ क्या, बात समझ में आई क्या इससे रिलेटेड आपको? अब इसमें दूसरी चीज देखिए, यहां पर हमने क्या लिखा, ये बेदनी को यंत्र के रूप में लिखा है कि बेदनी एक यंत्र होता है। एक और चीज देखिएगा, बेदनी एक बार जब क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या पूछा गया है, बेदनी कौन रहता है? तो जो केंद्र में नाचता है ना, ध्यान से सुनना, जो केंद्र में नाचता है, यही क्वेश्चन पूछा, मतलब जो आयोग ने आंसर दिया था उसके बारे में बता रहा हूं। केंद्र में जो नाचता है उसे क्या कहते हैं, सेंटर परफॉर्मर जो रहता है, सेंटर परफॉर्मर जो रहता है उसे क्या कहा जाता है, उसे बेदनी कहा जाता है। तो दोनों ही चीजें मैंने आपको लिखवा दी, जैसा क्वेश्चन आ जाए वैसा आपको लिखना है, बात समझ में आई क्या? अब ये चूंकि दोनों ही चीजें एग्जाम में पूछी गई, मतलब दोनों तो नहीं पूछी गई, एक किताब में है ये पूछा गया है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। हम एग्जाम ओरिएंटेड चलने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चन में आज भी, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा,
कि उसमें प्रीलिम्स में पूछा गया लेकिन आंसर उन्होंने ही गलत दिया है, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो ऐसे ही अगर आपका सेंटर परफॉर्मर पूछा जाएगा तो सेंटर परफॉर्मर का नाम क्या रहेगा, सेंटर परफॉर्मर का नाम रहेगा बेदनी। फिर अगर ये पीछे ही जाए और अगर हम बात करें मृदंग का, मृदंग का उपयोग कहाँ पर होता है, तो मृदंग का उपयोग आपको बघेलखंड वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, है ना। बुंदेलखंड और बघेलखंड बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं, है ना। और ये नगाड़ा और ढोलक का उपयोग आपको बेसिकली बुंदेलखंड में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा राई डांस में ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में नगाड़ा और ढोल का या ढोलक का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पर जब हम मृदंग की बात करते हैं तो मृदंग का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, बघेलखंड वाले क्षेत्र में किया जाता है। दोनों चीजें समझ में आई क्या कि बघेलखंड बुंदेलखंड में कैसे हो रहा है, बिल्कुल क्लोज है ना, कोई सी बाउंड्री डिमार्केशन नहीं रहता है। क्लियर हुई बात, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया क्या? इसके प्रोमिनेंट आर्टिस्ट कौन कौन से हैं वो देखिए। नहीं वो मैंने हटा दिए, कल हटा चुका हूं। अब इसके जो आर्टिस्ट है जिनके मुख्य जो आर्टिस्ट हैं इनके क्या नाम है, तो इनके नाम लिख लीजिए आर्टिस्ट के। जैसे पहला नाम लिखेंगे क्या, पहला नाम लिखेंगे प्रकाश यादव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिस्ट उनका याद रखना है ना, प्रकाश यादव। और दूसरे एक आर्टिस्ट का नाम लिखेंगे क्या, राम सहाय पांडे। इनका तो पूछा भी गया है क्वेश्चन, राम सहाय पांडे। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपको राई डांस से रिलेटेड आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे, कलाकार जो है वो देखने को मिलेंगे। अब राम सहाय पांडे को क्यों आपको और याद रखना है वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। आर्टिस्ट कलाकार है ना, कलाकार जो फेमस कलाकार है कौन है, प्रकाश यादव है और राम सहाय पांडे है। राम सहाय पांडे साहब का पूछा गया है, विशेष तौर पर ध्यान रखना, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है पिछले ही साल। किससे सम्मानित किया गया है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2022 में, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा क्या, क्लियर है क्या। फिर एक तीसरा नाम याद रखेंगे, किसका, तीसरा नाम याद रखेंगे ज्ञानेश्वरी जी का, है ना। किसका नाम याद रखेंगे, ज्ञानेश्वरी जी का नाम जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, ये कौन है, तो ये फीमेल आर्टिस्ट है ना, ये महिला कलाकार है, ये फीमेल आर्टिस्ट है और इनके द्वारा जो है इंटरनेशनल लेवल पर इसको लेके गए हैं, है ना। इनके द्वारा इंटरनेशनल परफॉर्मेंस, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं ना हिंदी में, क्या कहते हैं परफॉर्मेंस, हाँ अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुति दी है ना, अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुति जो है वो इनके द्वारा दी गई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, प्रकाश यादव इसी से संबंधित है, रामा साहेब पांडे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री 2022 में ही इनको मिला है और ज्ञानेश्वरी देवी फीमेल है, इसीलिए ज्यादा पूछने के चांसेस रहेंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिया हुआ है, महिला भी है और महिला मतलब फीमेल वीमेन एम्पावरमेंट का एक जबरदस्त एग्जाम्पल ये क्रिएट होता है। बात क्लियर हुई, समझ में आई क्या बात आपको राई डांस की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुरुष जो है वो महिला की वेशभूषा धारण करते हैं, लेकिन एक और चीज देखना कि ये डांस है, ये कोई ऐसे नहीं है कि एक मतलब जैसे रहता ना कि भाई हिप हॉप ऐसे ही होगा, रॉक डांस ऐसे ही होगा, सालसा ऐसे ही होगा, इसमें वैसी कोई चीज तो है नहीं। तो पुरुष जो है महिला की ड्रेस पहन के भी करेंगे, पुरुष जो है वो अपनी पोशाक पहन के भी करेंगे कि भाई जैसे साफा बांध लिया, धोती पहन ली, कुर्ता पहन लिया, उस तरीके से भी डांस होता है। तो इसको ये मत ले लेना कि पुरुष को डांस करना राई डांस, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा होगा कि वो महिला के कपड़े पहन जाएंगे, ये एक स्पेशल इनका एट्रीब्यूट है जो हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैंने आपको इसलिए बताया है, क्लियर है। ऐसे ही पुरुष और महिला दोनों करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही करते हैं, दोनों चीजें क्लियर हुई क्या आपको, समझ में आ गई क्या। यहाँ पर हमने देख लिया, अब ये तीन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, विशेष विशेष तौर से इन तीनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। हाँ फीमेल की एब्सेंस में आप कह सकते हो कि मेल जो है वो फीमेल का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अच्छा याद भी कराना है, चलो ठीक है याद करा देते हैं, है ना, याद करा देते हैं। अब पहले याद कर लेते हैं कि भाई राई जो है, ये तीनों राई डांस से बिलोंग करते हैं, राई नृत्य जो है इससे संबंधित है, इन तीनों को आप कैसे याद करेंगे, तो इन तीनों को आप ऐसे याद रखेंगे, राई राई का उपयोग आप घर घर में करते हैं, है ना, जीरा राई इसका हम उपयोग जो है वो करते हैं। अब मम्मी ने कहा कि भाई
राई खाओ तुम्हारा बुद्धि बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी मतलब तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, है ना। आपने सोचा राई डाल दूं पर लाइट थी नहीं, तो आपको प्रकाश की जो है वो जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? प्रकाश की जो है वो जरूरत पड़ी। आपने इतने शानदार पोहे बनाए कि उसके लिए आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, है ना। तो उससे कनेक्ट कर लेना क्या राम सहाय भंडे का, क्लियर है। तो राई जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है ऐसा मम्मी ने बताया, ज्ञान बढ़ता है। पर राई डालने का समझ में नहीं आ रहा था, लाइट नहीं थी तो प्रकाश की हमें जरूरत थी, है ना। और उसके लिए फिर आपको मम्मी ने आपने जो पोहे बनाया उसके लिए आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इस तरीके से चीजों को आपको याद करना है। अब जो बेदनी है कि भाई बेदनी शब्द जो है वो किस डांस से संबंधित है, तो बेदनी बेदनी को मैं ऐसा ऐसे पढ़ सकते हो क्या? भेदनी, है ना। कोई चीज अगर आपको भेदनी है, कोई चीज भेदनी है मतलब मैं कह रहा हूँ निशाना लगाना है तभी आप भेद पाओगे इसको, इस पार से उस पार ले जा पाओगे, है ना। तो भेदनी है तो एकदम सेंटर पे निशाना लगाना पड़ेगा, है ना। तो सेंटर पे निशाना भेदनी क्या हो गया? सेंटर में डांस करने वाले को क्या कहते हैं? भेदनी कहते हैं। सेंटर में मतलब भेद करना, भेदना है हमें तो सेंटर वाले को ही भेदना है हमें, तो बस इस तरीके से आप याद कर लेंगे भेदनी का हो गया। आपको आर्टिस्ट जो बहुत ज्यादा जरूरी थे वो मैंने आपको याद करा दिए, है ना। बाकी क्या बचा इसमें? राई डांस जो है जन्म के समय मतलब आप सीधी सी बात है जिसके लिए आपको पद्मश्री मिल रहा, तो कोई बहुत बड़ा उत्साह होगा जिसमें ही पोहे बनाओगे, ठेला तो लगाओगे नहीं उसका, क्लियर हो गई बात। अब जब आपने बनाया है तो आपकी मम्मी इतनी खुश हो गई, ढोल बजा रही है, नगाड़े बजा रही है कि वाह मेरी बेटी समझदार हो गई, मेरा बेटा समझदार हो गया, पोहे बना के खिलाए हैं, ये हो गई बात सारी की सारी, है ना। ये सारा के सारा हमें याद हो गया किसके बारे में? ये सारा के सारा हमें याद हो गया राई डांस के बारे में। अब राई डांस के बारे में अगर आपको 5 मार्कर भी पूछा जाता है तो मेरे ख्याल से आप आराम से लिख लेंगे कि राई जो है बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों में होता है, बुंदेलखंड और बघेलखंड में ये डिफरेंस होता है ना। ये कास्ट जो है परफॉर्म करती है इसमें, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, सारी बात है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मतलब अगला टॉपिक, अगला जो है राई के बाद में लिखेंगे क्या? सहरा डांस। अगला लिखेंगे सहरा नृत्य। दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का दिल दीवाना लगता है, ऐसा ही कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा, सहरा नृत्य, ठीक है। अब ये सहरा नृत्य जो है वो क्या है इसको समझने को, सुबह सुबह सर दिल जले बत बना हुआ वैसे ही बड़ी मुश्किल से रात में नींद आई है। चलिए चलो अब सहरा नृत्य की बात कर लेते हैं, सहरा नृत्य को भी समझने की कोशिश करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। लोकेशन क्या है? तो लोकेशन में सभी में अभी जो कि हम बुंदेलखंड लिख रहे हैं तो बुंदेलखंड ही चलता रहेगा, तो लोकेशन क्या है? बुंदेलखंड लोकेशन है सहरा नृत्य। सहरा नृत्य में अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करूं मैं कि भाई कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है, सहरा नृत्य में एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, दैट इज ढोलक, है ना। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? ढोलक इंस्ट्रूमेंट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर अगर बात करें ओकेशन, किस उत्सव पर यह किया जाता है, सहरा नृत्य जो है ये किस उत्सव पर होता है, तो सहरा नृत्य जो है ये गणगौर के टाइम पर किया जाता है ना। गणगौर आपको कल बताया था गणगौर उत्सव के बारे में, निमाड़ क्षेत्र में अपन ने गणगौर उत्सव, मालवा क्षेत्र में गणगौर उत्सव के बारे में बात करी थी, शिव पार्वती की बात करी थी हमने, ठीक है, सूर्य देवता की बात करी थी, वही गणगौर उत्सव की हम बात जो है कर रहे हैं, है ना, उस पर होता है। फिर सावन की जो तीज आती है ना, तीज ऑफ सावन, तीज ऑफ सावन, है ना, जो सावन मंथ, श्रावण मंथ जो होता है उसकी तीज पर भी ये किया जाता है ना, ये उसके उस टाइम पर भी किया जाता है, क्लियर। अब नेक्स्ट जो है इसमें ये किस तरह का डांस होता है, तो पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, ये थोड़ा सा रास लीला वाला डांस जो है ना वैसा डांस आपको देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? रास, कृष्ण की जो लीलाएं होती है जिसको हम रास लीला कहते हैं, उसके हिसाब से ये आपको डांस जो है वो देखने को मिल जाएगा। कौन करते हैं? तो परफॉर्म्ड बाय मेन, पुरुषों के द्वारा ये डांस किया जाता है ना। किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो परफॉर्म्ड बाय मेन, पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। अच्छा, ये होता कहां पर है? तो सावन का महीना है ना, सावन का महीना। अब सावन के महीने में जो हरी फसल जो रहती है, जो ग्रीनरी है, उसको एक तरीके से प्रेज करते हैं और उसके लिए ये डांस जो है वो किया जाता है। अब पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अब पुरुषों की ड्रेस जो है वो आप देख लीजिए थोड़ा सा, पुरुषों, क्योंकि इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हाथ में लाल कलर का टॉवेल रखते हैं। आपने देखा होगा लाल कलर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ना, तिजोरी विजोरी आपने देखी होगी तो कोई सा लाल कपड़ा रखते हैं, कोई ज्वेलरी वेलरी रहती है तो उसको हम लाल कपड़े में रखते हैं, तो लाल कपड़े को हमारे यहाँ पर बहुत महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि एक लाल कलर का टॉवल इनके हाथ में रहता है ना, ये क्या रखते हैं? रेड टॉवल इन हैंड, ये आप रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है।
लाल कलर का कपड़ा जो है ये अपने हाथ में रखते हैं, कौन रखते हैं, तो जब ये सायरा डांस किया जाता है तो लाल कलर का एक कपड़ा हाथ में रखा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात है कि इसमें दो स्टिक जो है वो अपने पास में रखते हैं, है ना, दो जो डंडे हैं वो अपनी कमर में खोस के रखते हैं। अब ये जितनी चीजें बता रहा हूँ ना, इसको एक बार गूगल करके देखना, कोई वीडियो वीडियो आपको मिल जाएगा तो उससे आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई जो चीजें हम पढ़ रहे थे वो बिल्कुल सही थी, ठीक है। अब ये दो स्टिक है ना, दो डंडे जो है कमर में फंसा के रखते हैं, टू स्टिक इज वेस्ट, कमर में दो डंडे जो है वो ये लगा के रखते हैं, करीबन दो दो फीट के डंडे जो है वो होते हैं ऐसे कमर में फंसाए रखते हैं, हाथ में लाल कलर का टॉवल होता है, धोती पहने हुई होती है, ऊपर सिंपल कुर्ता जो है वो पहना हुआ रहता है। पुरुषों के द्वारा किया जाता है ये, है ना, और किस वे में किया जाता है, तो ये सर्कुलर होता है ना, ये सर्कुलर वे में, जैसे गरबा नहीं होता वैसे चक्री उसमें किया जाता है ना, गोला बनाकर ये डांस जो है वो किया जाता है ना, गोला बनाकर ये डांस किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सायरा डांस कहते हैं, सायरा डांस। अब सायरा डांस मतलब क्या, सैर सैर कर रहे हैं, सैर करना मतलब क्या, सैर सपाटा घूम रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सैर कर रहे हैं। अब सैर कौन करेंगे, तो सैर करेंगे पुरुष, क्योंकि महिलाओं को तो काम रहता है, वो सुबह सुबह सारी चीजें करेंगी बेचारी कि भाई मतलब नाश्ता बनाना, चाय बनाना, ये पुरुष मतलब ऐसे है कि इनको कोई काम मत दो, है ना, इनका बस एक ही काम है कि हम जॉब कर रहे हैं और क्या लोगे आप, ठीक है। तो ये सुबह सुबह सैर करने निकल जाते हैं, तो सैरा डांस किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। अब सैर करने निकलेंगे तो बोले थोड़ा नाच गाना भी हो जाए, तो ढोलक ऐसी है कि हैंडी है, तबला आप ले जा नहीं पाओगे, हारमोनियम के लिए जगह चाहिए, ढोलक ऐसे गले में बांध लो, धप 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 जो है वो चल रहा है ना, चल रहा है क्या, ढोलक इसके साथ में ये चल रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया, चक्री फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अब पुरुष जा रहे हैं तो पुरुष कहा हुआ है कि भाई लाल टॉवल जो है वो हाथ में हो तो ज्यादा अच्छा है, वो तो फिर आजकल कुत्ते बहुत घूमते हैं, सुबह सुबह जाओ वॉक पे जाओ, तो आजकल डंडा लेकर घूमना एक ऐसा माना जाता है कि हाँ भाई कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है, अफसर व्यक्ति आ रहा है ना, तो डंडा लेकर जो है कमर में कोस कर दो डंडे चल रहे हैं, हाथ में लाल कपड़ा पसीना उसीना पोंछने के लिए चल रहे हैं और ढोलक लिए चल रहे हैं। आई बात समझ में, क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्या, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा एक आध चीज आपको और याद रखनी हो तो कितने पुरुष करते हैं तो वो भी लिख लेना, 15 से 20 पुरुष जो है उसको करते हैं, 15 to 20। अब गोला बना के करना है तो ग्रुप में ही होगा, सीधी सी बात है। देखो ये इस तरीके से डांस होता है, इस तरीके से ये डांस होता है, देखो कितने फोटो भी भेजी है, देखिए इस तरीके से डांस होता है। डंडा आपको देखने को मिल रहा है, हाथ में लाल कपड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है, धोती पहनी कुर्ता पहना साफा पहना हुआ है ना, और ये इस तरीके से जो है वो डांस किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, सेहरा डांस जो है वो कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब सेहरा डांस क्लियर हो गया, याद भी हो गया होगा, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। अब अगला डांस लिखेंगे धीमराई डांस, धीमराई डांस नृत्य, धीम रयाई डांस, अरे वो भी जीव है यार, उसको भी खाने पीने को मिलना चाहिए, सफाई वफाई करने तो कोई मतलब नहीं है, मैं उससे परेशान नहीं करता हूँ, मैं बस उससे कहता हूँ तू मेरे को परेशान मत कर, आ घूम फिर, बस मेरे पेपर मत खाना, मेरे नोट्स मत खाना, बाकी वो घूमे फिर मुझे क्या करता, मैं कौन सा यहाँ पर दीवारें चाटता फिर रहा हूँ, उसको मस्ती करना तो क्या ही दिक्कत है, आता घूमता थोड़ी बहुत एलिफेंट लीवे खा लेता, थोड़ी बहुत मेरी सेव खा लेता, खुश हो जाता है। जब खाएगा तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, नहीं डस्टबिन तो है मेरे पास में, पर मैं जानू उसके करता हूँ उसका खाने देने के लिए, उसको देने के लिए करता हूँ, ये नहीं करना, पाप ही नहीं बनना है। चलिए छोड़िए, अब ढीमराई की बात कर लेते हैं, अरे ढीमराई आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो इसकी लोकेशन लिख लीजिए,
लोकेशन क्या है, तो ये भी आपको बुंदेलखंड में देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट बात करें ढीमराई की, तो ओकेशन क्या है, किस उत्सव पर यह होता है, अभी बताया था ओकेशन मतलब उत्सव होता है, किस ओकेशन पर किस उत्सव पर आपको ढीमराई नृत्य जो है वो देखने को मिलता है। तो ये भी जो भी हैप्पी वाले चीजें हैं, जैसे भाई शादी है ना, शादी है, जन्म है किसी का, तो इन सब में आपको क्या देखने को मिलता है, इन सब में आपको ढीमराई नृत्य जो है वो करते हुए लोग देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिखना, मैं यही लिखवा देता हूँ आपको नोट डाल के, इसके जो मूव है ना, इसके जो मूव है वो किस तरीके के है, कथक जैसे मूव है। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका विशेष विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। मतलब आपने देखा होगा कथक वत्थक आपने देखा हो, या जो भी ये कल्चरल डांस होते हैं, इसमें एक्सप्रेशन का बहुत कुछ मायना रखता है ना, क्या आप एक्सप्रेशन, वो एक आईब्रो उठ रही है ना, या वो कुछ स्माइल से समझाने की या गुस्सा दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें ना वो फीलिंग्स ऑफ कथक जो है वो आपको ढीमराई डांस में जो है वो देखने को मिल जाती है। मतलब इसमें किसका उपयोग किया जाता है, गेस्चर्स का उपयोग किया जाता है। ये क्या है, एक तरह का गेस्चर डांस है। अब इसको गेस्चर डांस को क्या हिंदी में कहते हैं वो थोड़ा सा देख के बताओ, मेरे हिसाब से तो हाव भाव वाला नृत्य है ना, चेहरे के हाव भाव वाला नृत्य है। और कुछ कुछ ये किसके जैसे मिलता है, तो कुछ कुछ ये कथक से मिलता है, इशारा नृत्य है, हाँ इशारा नृत्य लिख लीजिएगा है ना। और कुछ कुछ ये किससे मिलता है, ये कथक से मिलता है ना, हाँ भावनात्मक नृत्य है लिख लो है ना, हाव भाव वाला लिख लो, समझने के लिए लिख लो आप क्या है, गेस्चर डांस जो है वो आपको देखने को ये मिलता है, जिसमें मतलब वैसे उस तरीके से समझाया जाता है। अब इसकी अगर बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट की, कि इसमें किस तरह के वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, इसमें किस तरह के वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसमें बहुत सारे वाद्य यंत्र आपको देखने को मिलेंगे। अब मेरे जैसा एग्जामिनर को तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा, लोटे का यंत्र किस, लोटे का उपयोग किस नृत्य में किया जाता है, तो लोटे का उपयोग जो है इसी में किया जाता है। किसका किया जाता है, लोटे का उपयोग जो है वो इसमें ही किया जाता है। देखो आप देखोगे प्लेट व्लेट जो है उनका उपयोग करते कि नहीं करते, प्लेट व्लेट का उपयोग ड्रम वाले करते कि नहीं करते, तो हम लोटे का करते हैं, उसमें क्या ही दिक्कत है ना। तो लोटा आपको मिल जाएगा, ढोलक आपको देखने को मिल जाएगी है ना, फिर नेक्स्ट है मंजीरे आपको देखने को मिल जाएंगे, ढपली आपको देखने को मिल जाएगी, मंजीरे है ना, ढपली है, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से इसमें चीजों का मतलब मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट का मल्टीपल वाद्य यंत्रों का इसमें उपयोग किया जाता है। आपको सिर्फ लोटा याद रखना है, लोटा इज इंपॉर्टेंट, बाकी सब सेम है। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, हर ध्यान से सुनना मेरी बात को, हर डांस के या हर म्यूजिक के या हर सॉन्ग के इंस्ट्रूमेंट रटने मत बैठ जाना, क्योंकि इतने सारे हो जाएंगे तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तुम सिर्फ वो जो जहाँ की स्पेशलिटी है, कुछ नया आपको मिल रहा है, कुछ अलग आपको समझ में आ रहा है ना, तो उसी को जो है आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर लोटा है, अब ढोलक है ना, या मंजरे है, या ढपली है, ये तो बहुत बेसिक से हो जाते हैं, कुछ स्पेशल दिखे तो ही याद करिए, अगर भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखो, स्मार्ट स्टडी करना सीखो कि भाई क्या पूछा जा सकता है क्या नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अगर कास्ट की बात करी जाए कि भाई कौन सी जाति के लोग जो है इसको सबसे ज्यादा करते हैं है ना, या किस कास्ट का यह फेमस है, तो लिख लेना भीमर कास्ट का फेमस है। ये जो है ये नोट डाल के जरूर लिखते चलना, जैसे अहीर जाति का मैंने आपको बताया, अभी धोबी जाति के आएंगे, धीमर जाति के आएंगे, तो ये आपको है ना जो हमारी अनुसूचित जाति जनजाति है उनमें आपको इस तरह के कल्चरल डांस जाना। अब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर नहीं होते हैं, अपन बाकी सब जो जनरल वाले उनके नहीं होते होंगे, लेकिन बात क्या है, जनरल भूल चुका है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये भूल चुके हैं कि इनका क्या होता था, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है इन्होंने अभी तक उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इस वजह से आपको क्या मिलता है बुक्स में, कि भाई ये इस कास्ट के है या उस कास्ट के है। ठीक है, बात समझ में क्लियर हुआ हिम्मत के बारे में या इसके बारे में। अब क्योंकि ये धीमर जाति करती है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये धीमर जाति के द्वारा किया जाता है, इसे ही इसे क्या कहा गया, धीमराई डांस कहा गया, इसीलिए इसे क्या कहा गया, धीमराई नृत्य जो है वो कहा जाता है। क्लियर हुआ क्या, बात समझ में आई क्या, बताओ मुझे, तो फिर आगे बढ़े। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसको याद कर लेते हैं है ना। देखो सबसे पहली चीज तो है कि कौन करता है, तो धीमरी नृत्य को धीमर जाति के द्वारा ही किया जाता है। अब धीमर जाति के द्वारा किया जाता है, इसमें हमको क्या याद रखना है, मेन चीज जो हमें याद रखनी है कि ये नृत्य जो है
ये किया जाता है गेस्चर मुद्रा का सहारा लेके किया जाता है ना, भावनात्मक ये रहता है या गेस्चर वाला रहता है, हाव भाव वाला रहता है। तो इसको कैसे याद रखोगे आप, है ना? देखिए, आप धीमे धीमे, आपने कभी किसी शादी वादी में गए हो, शादी वादी में गए हो तो धीरे से गर्दन जाती है, फिर शाम फिर धीरे से गर्दन जाती है, फिर जब आई कॉन्टेक्ट हो जाता है तो फिर कुछ धीरे से फिर आईब्रो उठती है या कुछ ऐसा कुछ ना कुछ ऐसे, तो जिसको नजाकत भरा डांस जो है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, है ना? मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो है आपको गेस्चर वाली मुद्रा जो है वो देखने को मिलेगी, है ना? तो इसका विशेष विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि भाई ढीमरी डांस जो है ये क्या मिलेगी, गेस्चर वाली मुद्रा में मिलेगी। क्लियर है? अब देखो, याद तो करना है, धीरे धीरे ही होता है जो भी कुछ होती है ना, ऐसे एकदम से तो होता नहीं। अपन कोई ऐसे सलमान खान तो नहीं रहा कि जाके सीधे प्रपोज कर दो, ना तुम ऐश्वर्य राय हो रही हो, है ना? तो धीरे धीरे ही होगा जो भी कुछ होगा, ठीक है? अब इंस्ट्रूमेंट में क्या है, इंस्ट्रूमेंट में यही है कि लोटे का याद रखना। लोटे का कैसे याद रखोगे, तो लोटे का बस ऐसे याद रख लो कि अगर तुम्हारे गेस्चर मुद्रा है सामने वाले ने एक्सेप्ट कर ली तो ठीक है, नहीं तो वहां से पता चला लोटा दिया भन्न करते हुए घुमाते हुए तो यहाँ पर सिर पर सूज गया, ठीक है? तो लोटे का उपयोग किसमें होता है, धीमरई में होता है। और दूसरी चीज जो है ये किसके टाइम पर होता है, किसी भी, देखो किसी भी टाइम पर हो सकता है, मैरिज वाला कोई उत्सव का टाइम है तभी तुम ऐसी हरकत करोगे, किसी की डेथ के टाइम पर तो ऐसी हरकतें करोगे नहीं, है ना? गेस्चर देना मतलब इस तरीके के हाव भाव जो है वो देना, तो खुशी के टाइम पर होता है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में होता है, गेस्चर जो है वो इसमें दिए जाते हैं, वो लोटा इसमें इंस्ट्रूमेंट होता है, और धीमरई से ये तो हमें याद रह ही जाएगा कि धीमरई जाति के द्वारा किया जाता है। अब अगला पढ़ लेते हैं, अगला लिखिए, अगला डांस लिखिए कानाडा डांस, है ना? कानाडा डांस अगला नृत्य लिखेंगे, कानाडा नृत्य या कानाडा नृत्य। भाई ये तो ऐसी चीज है, इनको ऐसे याद करने पड़ेंगे, याद हो रहा है ना, बस वही जरूरी है, लोगों से याद ही तो नहीं होते ये। कानाडा डांस, अब कानाडा डांस जो है वो कहाँ पर होगा, इसकी लोकेशन क्या होगी, इसका स्थान क्या होगा, तो इसका स्थान होगा बुंदेलखंड, है ना? इसका स्थान क्या होगा, बुंदेलखंड में ही ये होगा। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो ये किस ओकेशन पर, किस पर्व पर जो है वो किया जाएगा, किस उत्सव पर ये किया जाएगा, तो ओकेशन क्या हो गया, ये भी हो गया बर्थ, ये भी हो गया किसी का बर्थ है, किसी का जन्म हुआ है ना, किसी की शादी हो रही है उस टाइम पर एक्सेट्रा, ऐसे टाइमों पर ये डांस जो है वो किया जाता है। कहां पर होगा, तो ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में हमें डांस जो है देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कानाडा नृत्य कहते हैं, ठीक है? अब ये जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये कास्ट जो, ये कास्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जाति हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जैसे पिछले बार हमने देखा था ढीमर जाति के द्वारा किया जा रहा था, है ना, वैसे ही ये किसके द्वारा किया जाता है, धोबी जाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, धोबी कम्युनिटी के द्वारा, धोबी जाति के द्वारा किया जाता है। ये एक पारिवारिक नृत्य रहता है, जिसे क्या कहा जाता है, कानाडा डांस जो है वो कहा जाता है, ठीक है? अब इसमें क्या है, इस ये कौन, किसके द्वारा ये नृत्य जो है वो किया जाता है, इसके परफॉर्मर कौन रहते हैं, है ना, किसके द्वारा ये किया जाता है, तो जो परफॉर्मर रहते हैं वो कौन रहते हैं, पुरुष एवं महिलाएं दोनों, पुरुष एवं महिलाएं दोनों के द्वारा किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही करेंगे या सिर्फ महिलाएं ही करेंगी, है ना, मेल फीमेल दोनों के द्वारा किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसकी थीम क्या होती है, तो इसमें पहले सरस्वती वंदना और गणेश वंदना होती है। जैसे हमारे यहाँ पर है प्रथम पूज्य गणेश कहे जाते हैं, है ना, तो यहाँ पर गॉडेस सरस्वती, गॉडेस सरस्वती एंड गॉड गणेश, इनको जो है पूजा जाता है, एंड गॉड गणेशा जो है इनको पूजा जाता है। इतनी बात क्लियर है क्या इसकी, कानाडा डांस की? ठीक है, अब इसकी अगर बात करें कि इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन से उपयोग होते हैं, इसमें वाद्य यंत्र कौन से उपयोग होते हैं, तो इसके बारे में लिख लीजिए कि कौन से वाद्य यंत्र का इसमें उपयोग किया जाता है। तो वाद्य यंत्र में लिखेंगे, सबसे पहले इसमें सारंगी का उपयोग किया जाता है, ढोलक का उपयोग किया जाता है, सारंगी का इस्तेमाल किया जाता है, ढोलक का इस्तेमाल किया जाता है, मृदंग का इस्तेमाल किया जाता है, और लोटे का इस्तेमाल किया जाता है ना, मृदंग एवं लोटे का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से यूज हो रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, वाद्य यंत्र यूज हो रहे हैं, सारंगी है, ढोलक है, मृदंग है, लोटा है, इन सब का उपयोग जो है वो इसमें किया जा रहा है। बात समझ में आई, कानाडा डांस के बारे में पूरी कहानी क्लियर हुई क्या आपको, ये बताइए, इसमें कोई डाउट आ रहा है क्या आपको?
ठीक है, अब इसको याद करना है हमें कि भाई इसको हम याद जो है वो कैसे करें, है ना। तो देखिए पंजाबी लोग जो है वो कनाडा जाते हैं, कनाडा जाना उनका शौक होता है, और कनाडा से अपन ने इसको पकड़ लिया कि भाई कनाडा जो है वो इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो कनाडा से हमें कनेक्ट करना है कि भाई मध्य प्रदेश का कनाडा क्या है, तो बुंदेलखंड समझ लो, बुंदेलखंड से लोग यूपी यूपी चले जाते हैं, तो ऐसे करके हम इसको याद करते हैं। अब दूसरी चीज जो है डांस है, तो डांस में आप देखोगे मेजरली डांस जो है ना वो सब की सब किसी हैप्पी इवेंट में ही होंगे, कोई दुख के इवेंट में डांस थोड़ी करता है ना। तो मेजरली आपको हैप्पी इवेंट में ही सब मिलेंगे, सब अच्छे उत्सव में ही आपको देखने को मिलेंगे, कहीं पर एक आध जगह आएगा तो वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। अब देखिए कानाडा डांस को अगर मैं ब्रेक करूं तो कान आ रहा है क्या, कान कान को कोई मरोड़ सकता है क्या, तो धोबी जाति ही मरोड़ सकती है। अब कैसे मरोड़ सकती है इसको समझने की कोशिश करिए, धोबी जब कपड़े को धोता है तो क्या बड़े प्यार से प्रेम भाव से धोता है, नहीं, वो उसको मरोड़ मरोड़ के धोता है ना। तो कान को मरोड़ना, तो ये कौन सी कास्ट जो है जो इसको करेगी, है ना, धोबी कास्ट करेगी। धोबी कास्ट का काम क्या है कि वो कपड़े, अब कपड़े कौन धोता है, पुरुष महिलाएं दोनों धोते हैं, है ना। तो भाई हम कह सकते हैं कि भाई ये जो कनाडा वाला डांस जो है ये कौन करेंगे, पुरुष एवं महिला दोनों के द्वारा जो है वो किया जाएगा। फिर कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी कार्य हम करते हैं, तो पहले हम वंदना करते हैं भगवान की, है ना, कि जो प्रथम पूज्य गणेश जी और सरस्वती माता की जो है वो हम वंदना करते हैं। तो बस यहाँ पर भी वही वंदना हमें देखनी है। इंस्ट्रूमेंट पर हमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, बेसिक सा है कि कुछ ऐसा थाप वाला होना चाहिए जैसे ढोलक है, सारंगी है, मृदंग है ना, और फिर सारंगी और लोटे का इसमें उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गई बात कनाडा के बारे में, अच्छे से समझ में आ गया क्या आप लोगों को। अब अगर ये समझ में आ गया है तो अगला लिखिए बरेडी डांस, अगला लिखिए बरेडी डांस, बरेडी डांस, बरेडी नृत्य। अब बरेडी नृत्य जो है ये लोकेशन तो वही है, हमारी लोकेशन में तो कोई बदलाव नहीं आया, हम सब बुंदेलखंड के ही देख रहे हैं ना, तो स्थान तो क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड ही हो जाएगा, स्थान तो क्या हो गया, बुंदेलखंड स्थान हो गया। अब ये किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर परफॉर्मर कौन रहते हैं, तो यहाँ पर परफॉर्मर है किसान व्यक्ति, किसान व्यक्ति जो रहता है वो यहाँ पर परफॉर्मर रहता है, मतलब जिसको हम कहते हैं फार्मर जो है, प्लस जो वो रहते हैं ना ग्वाले जिनको हम कहते हैं जो गाय वाय मतलब चराते हैं, है ना, वो जो है वो इसमें मेन कम्युनिटी रहती है ना, जिनको हम शेफर्ड कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं शेफर्ड कहते हैं, जो ग्वाले होते हैं उनके द्वारा जो है किसान एवं ग्वालों द्वारा, किसान एवं ग्वालों द्वारा ये डांस जो है वो किया जाता है, किसान एवं ग्वालों द्वारा ये डांस जो है वो किया जाता है। अब इसमें अगर बात करें इंस्ट्रूमेंट की कि भाई इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट उपयोग होता है, तो इसमें ढोलक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग इसमें किया जा रहा है, तो इसमें लिखेंगे वाद्य यंत्र में ढोलक, ढोलक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ढोलक का इसमें इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। अब ये फेस्टिवल जो है वो कब होते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा, ये मतलब ये कब डांस कब होता है, तो इसका टाइम जो है वो लिख लीजिए, ये होता है दिवाली के टाइम पर। किस टाइम पर होता है, दिवाली के टाइम पर जो है ये फेस्टिवल जो है वो आपको देखा, ये डांस जो है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना, जो कि है क्या, तो बरेडी डांस है। ठीक है, अब ये दिवाली पर कब से कब तक चलता है, तो इसमें लिख लेना ये दिवाली से लेकर, मतलब दिवाली अमावस्या पर आती है, आप सभी को पता होगा, तो दिवाली से लेकर फुल मून, पूर्ण चंद्रमा जब आता है जिसको हम पूनम कहते हैं, है ना, दिवाली से ये 15 दिन तक चलता है। कितना दिन तक होता है ये डांस, 15 डेज तक, 15 दिनों तक ये नृत्य होता है, जो कि दिवाली वाले दिन से शुरू होता है और फुल मून तक जो है वो चलता है। अब इसमें जो है, इसमें जो है एक कास्ट है, मतलब कास्ट क्या, एक कम्युनिटी है जो इस डांस को के लिए फेमस है, कौन सी कम्युनिटी है, तो इसमें लिखेंगे यादव, यादव समुदाय जो है इनके द्वारा ये डांस किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो यादव कम्युनिटी जो रहती है उसके द्वारा ये डांस किया जाता है। कौन सा डांस है जिसको हमने पढ़ा, बरेडी डांस है। क्लियर है क्या, सभी को क्लियर है, अब इस
इसमें इसकी थीम क्या रहती है वो थीम समझ लीजिए, किस इसका विषय क्या रहता है ना, इसकी थीम रहती है कि इस डांस में जो कृष्ण लीलाएं चल रही होती ना, वो कृष्ण लीलाओं को गीत के माध्यम से बताया जाता है ना, क्या किया जाता है, कृष्ण लीला सॉन्ग जो है उनको गीत के माध्यम से बताया जाता है, और इसी कृष्ण लीला के जो गाने हैं इन पर जो है वो डांस किया जाता है, इन्हीं पर जो है वो नृत्य किया जाता है, जिसे हम कहते हैं बरेली डांस। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, कृष्ण लीला चल रही है, कृष्ण लीला के गाने जो है वो चल रहे हैं और उसी पर जो है वो नृत्य किया जा रहा है। अब जिसमें अब ये जो गाना गाता है, जो व्यक्ति गाना गाता है, ये नोट डाल के लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो व्यक्ति गाना गाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे दीवारी कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, दीवारी कहा जाता है। जो ये गाने गाएगा ना, वन हू सिंग सॉन्ग्स, जो गाने गाता है उसे क्या कहा जाता है, दीवारी कहा जाता है। तो कभी एग्जाम में आ जाए भाई दीवारी शब्द से आप क्या समझते हैं, तो दीवारी कौन है, जो बरेड़ी डांस के समय कृष्ण रास लीला के गाने गा रहा है, उसे ही क्या कहा गया है, बरेड़ी कहा गया है। क्लियर हुआ क्या बात, समझ में आई क्या? ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसको कैसे याद करना, नाम ही ऐसा आ रहा है कि उसमें कुछ भी बनाऊंगा तो वो गलत सेंस में चला जाएगा, वो एकदम गलत सेंस में जा रहा है, कुछ भी मेरा पूरा हाथी दिमाग ऐसी ऐसी चीजें बना रहा जो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड तो नहीं बता सकता, सुना सकता है ना, इसको आप खुद ही याद कर लो ज्यादा अच्छा है। चलिए, या तो इसको इस तरीके से कर सकते हो, देखो बरेडी से भी कर सकते हो आप, एडी से भी कर सकते हो, कि भाई एडी जो है वो किसकी एडी में दिक्कत आएगी, जो ज्यादा चलेगा है ना, उसकी एडी में दिक्कत, जो घर में पड़े हुए पलंग पर उनको क्या ही होगा है ना, तो जिसकी एडी में, अब एडी में दिक्कत आएगी चलने वाले की, चलने वाले लोग कौन हो जाते हैं, तो किसान बहुत चलता है ना, एक ग्वाले जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो चलते हैं। ठीक है, अब यही लोग जो है ये क्या करते हैं, ये एक उत्सव बनाते हैं दिवाली पर, 15 दिन उत्सव जो है वो बनाते हैं, और इसमें ये क्या करते हैं, ये डांस करते हैं, ढोलक इनके पास में रहती है और उसमें ये 15 दिन तक लगातार जो है वो डांस करते हैं, खासकर यादव कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है, और ये जो डांस होता है इसमें क्या करें, तो उन्हें कुछ गाने वाने तो चाहिए, तो कृष्ण लीला के गाने लगाए जाते हैं। हाँ, ऐसे भी कर सकते, गोलू जी ने बहुत बढ़िया बताया है, बहुत बढ़िया कनेक्ट करा है। आपको पता होगा कृष्ण जी की जो है डेथ हुई थी वो कैसे हुई थी, तो उनके पैर में तीर लग गया था है ना, तो कृष्ण जी भी यादव थे एक तरीके से, कृष्ण जी ग्वाले भी थे है ना, तो कृष्ण जी के पैर में जो है या एड़ी में जो है वो तीर लग गया था, तो आपको ये भी हो गया कि कृष्ण की रासलीला होती है, एड़ी से हो गया कि बरेड़ी डांस इसको कहा जाता है, और कृष्ण जी खुद क्या थे, ग्वाले थे, और ग्वाले से मतलब फार्मर को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, तो आसानी से क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से है ना, और कृष्ण जी का डांस है तो उसमें है क्या, बांसुरी और ढोलक यही चीजें लगेंगी। क्लियर, अगला लिखेंगे क्या, बधाई डांस, अगला लिखेंगे बधाई डांस, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बधाई डांस, बधाई डांस, इसे ही क्या कहा जाता है, बधाई नृत्य कहा जाता है, बधाई बधाई नृत्य कहा जाता है, बधाई डांस जो है वो कहा जाता है। कांगड़ा की थीम बता दीजिए, थीम बताइए ना, कृष्ण लीला वाया सॉन्ग्स, कृष्ण भगवान की जो लीला है जिसको हम रास लीला कहते हैं उसको गीत के माध्यम से गाया जाता है, और जो गाता है उसे क्या कहा जाता है, दीवारी कहा जाता है। अच्छा, कानड़ा के पूछ रहे हो, ओके ओके, कानड़ा की थीम ये है गणेश जी की पूजा करना और सरस्वती जी की पूजा करना। ठीक है, चलिए अब बरेड़ी के बाद में अगला डांस लिखेंगे, बधाई डांस लिखेंगे, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है किस चीज के लिए हो सकता है ये है ना, तो पहली चीज लिख लो लोकेशन, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, वनडे एग्जाम और मेंस दोनों में इम्पोर्टेंट है ये। लोकेशन क्या हो गई, बुंदेलखंड हो गई है ना, फिर ओकेशन किस पर्व पर जो है ये किया जाएगा, तो कोई भी अच्छा पर्व हो उसी में आप बधाई बधाई देने का काम करेंगे है ना, किसी की मुक्ति मिलने पर तो नहीं देंगे कि चलो भाई पीछा पिंड छूटा है ना, ऐसा तो नहीं करोगे, तो ओकेशन क्या हो सकता है जिसमें बधाई की आप वो करोगे। ठीक है, तो वो हो सकता है कि भाई कोई किसी का जन्म हुआ है, ठीक है, या मान लीजिए कोई फेस्टिवल है, कोई भी उत्सव है, दिवाली है, दशहरा है, ये बधाई उत्सव तो कभी भी हो सकता है ना, किसी की शादी है ना, इन सारे केसेस में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये पर्व जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब
इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें एक तरह से वर्शिप करी जाती है, इसमें पूजा करी जाती है किसकी, तो ये वर्शिप भी मतलब इसको मतलब यार ऐसे लिख लो, इसको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। एक और लिख लेना, वर्शिप ऑफ शीतला माता, शीतला माता की पूजा की जाती है, वर्शिप ऑफ शीतला माता। अच्छा, आप में से बहुतों ने देखा होगा, आप में से कुछ माँ भी होंगी, कुछ पिता भी हो सकते हैं, तो आपने देखा होगा जब बच्चे का जन्म होता है या शादी होती है तो एक पत्रिका शीतला माता के यहाँ पर अपने यहाँ पर देने का रिवाज है, मध्य प्रदेश में खासकर जो है वो रिवाज है कि शीतला माता को पत्रिका दी जाती है, वहां पर दूल्हे को ले जाया जाता है या दुल्हन को ले जाया जाता है ना। तो ये शीतला माता का कंसेप्ट जो है वो हमें ये बधाई डांस, मतलब वो एक तरह का बधाई डांस ही है ना, वो क्या है, एक तरह का बधाई डांस ही है जो आप लोग जाकर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बधाई डांस जो है इसमें ओकेशन आपने देख लिया, अब ये किसके द्वारा किया जाता है, परफॉर्मर कौन है, परफॉर्मर कौन है, किसके द्वारा किया जाएगा, तो पुरुष एवं महिलाओं के द्वारा, दोनों के द्वारा ही डांस जो है वो किया जाता है। क्यों किया जाता है, कि भाई खुशी का कोई मौका है, कोई ऐसा खुशी का मौका है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब बच्चे का जन्म होता है तो दादा दादी बहुत खुश होते हैं, तो वो ये बधाई डांस करेंगे। अब बधाई डांस होता कहाँ पर है, तो बधाई डांस होता है एक्चुअली ये मंदिरों में होता है डांस, मंदिर के बाहर जो है ये डांस को किया जाता है ना। अब जैसे आपने सुना होगा गुलौवा देते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, फिर सब जो है वो पूरी टोली बनाकर बैंड बैंड के साथ में ढोल वोल के साथ में जाते हैं, और वहां पर जो है शादी के टाइम पर भी यही होगा, किसी बच्चे का जन्म है उस टाइम पर भी यही होगा, तो इन सब केस में आपको ये बधाई डांस जो है वो देखने को मिल जाता है। अब इसमें इंस्ट्रूमेंट जो है वो कौन कौन से हैं, तो वो लिख लीजिए, इसमें इंस्ट्रूमेंट जो है वो लिख लीजिए, वाद्य यंत्र, किस वाद्य यंत्र का उपयोग जो है वो किया जाता है। अब देखो आज तो डीजे वाले लोग हो गए हैं, लेकिन बेसिकली अगर कल्चरल दृष्टि से देखे, सांस्कृतिक दृष्टि से देखे, तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो ढपले का यूज किया जाता है, टिमकी का इस्तेमाल किया जाता है, टिमकी है, ढपली है, इनका इस्तेमाल किया जाता है ना, टिमकी का, ढपली का, इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, बधाई नृत्य में किया जाता है। और कुछ बच रहा है क्या? टिमकी है, ढपली है या ढोलक है, सारी चीजों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, बधाई डांस में किया जाता है। जो जवारा, अभी आपको थोड़ा रुको वो भी बताऊंगा मैं आपको, जवारा में एक्चुअली क्या होता है, उसमें चिमटे का भी उपयोग किया जाता है, उसमें हारमोनियम का भी उपयोग किया जाता है, और उसमें मंजीरे का भी उपयोग किया जाता है, और वो सारा इसमें नहीं किया जाता, इसलिए मैं उसको अलग से आपको लिखवाऊंगा जवारा का, वो भी बुंदेलखंड में ही होता है, वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा। जवारा जो होता है वो नवरात्रि के टाइम पर बेसिकली होता है, वो जवारे लेके निकलती है महिलाएं, आपने देखा भी होगा है ना, चैत्र और पुआर के टाइम पर, वो नवरात्रि के टाइम पर होता है। ठीक है, तो बधाई डांस आपको समझ में आ गया क्या? अब बधाई डांस में एक चीज और ध्यान रखना, ये देवी को समर्पित है ना, डेडिकेटेड टू गॉडेस, मेनली ये ऐसा नहीं कि शंकर भगवान के उसमें चले जाओगे, आपने देखा होगा देवी जी के यहाँ पर ही जाते हैं है ना, तो ये देवी जी को समर्पित है, देवी को समर्पित है, और इसी में बताशे बताशे बांटने की जो है वो परंपरा चलती है ना, ये किसको समर्पित है, तो ये देवी जी को समर्पित है बधाई डांस। चलिए, ये मेन मेन मेजर मेजर डांस थे बुंदेलखंड के जो हमने लिख लिए हैं, अब हमें लिखने हैं वो छोटे मोटे डांस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी किसी ने जवारा कहा, तो सबसे पहले जवारा ही आपको मैं लिखवा देता हूँ, ये मेजर थे जो आपसे मेंस तक में क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनसे है ना, जवारा डांस, जवारा नृत्य। अब इसमें मेन मेन चीजें ही आपको लिखवाऊंगा, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे, जिनमें जाना था उनमें हम चले गए। जवारा नृत्य, अब ये जो जवारा नृत्य जो है ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बुंदेलखंड में ही देखने को मिलेगा। अब इसको बहुत शॉर्ट में लिखूंगा ना, जितना सजा बजा के लिख रहा था आप लिखूंगा, कहाँ मिलेगा आपको ये बुंदेलखंड में जो है वो देखने को मिल जाएगा। फिर ये कब होता है, तो ये होता है नवदुर्गा के टाइम पर है ना, नवदुर्गा के टाइम पर आपको ये देखने को मिलेगा। अब कोई सी भी नवदुर्गा हो, छोटी नवदुर्गा, बड़ी नवदुर्गा, चैत्र की हो, कुवार की हो, कोई सी भी नवदुर्गा हो, आपको उसमें देखने को मिलेगा। फिर इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या रहते हैं, तो इसमें हारमोनियम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसमें ढोलक का इस्तेमाल किया जाता है,
इसमें मंजीरे का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें चिमटे का इस्तेमाल किया जाता है आदि का इस्तेमाल जो है वो इसमें किया जाता है। जवारा में, जवारा में आपने देखा होगा कि महिलाएं वो जवारा लेकर निकलती है ना, जो रहते हैं वो 9 दिन में फैल जाते हैं, फूल जाते हैं, मतलब वो पनप जाते हैं, और वो लेकर जो है वो निकला जाता है महिलाओं के द्वारा। अब वो हमने जनरल सेंस में देखा तो आपने तो बड़े बड़े शक्ति प्रदर्शन देखे होंगे जिसमें हजारों महिलाएं चल रही है, ढोल चल रहा, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, वो हमारे यहाँ पर होता है। उसी चीज को इतना बड़े लेवल पर कर दिया गया है। अदरवाइज ये एक कल्चरल डांस था, एक कल्चरल तरीका था जो किया जाता था, और बेसिकली बुंदेलखंड में ये ज्यादा देखा गया है क्योंकि ये शुरुआत इसकी जो है ना वो उत्तर प्रदेश साइड से हुई थी, वहां से फिर ये मध्य प्रदेश एंटर करता और मध्य प्रदेश के भी बुंदेलखंड भाग में था, और वहां से फिर पूरे मध्य प्रदेश में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जवारा आपको समझ में आ गया क्या? फिर अगला एक डांस मैंने आपको लिखवाया था जिसको हमने कहा था रास, रास नृत्य। ठीक है, रास डांस। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, देखो बुंदेलखंड में जो जो है, तो मैं वापस बार बार बुंदेलखंड नहीं लिख रहा हूं, बस इसमें एक ही चीज लिखना है अपने को, ये डांस जो है रास डांस जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, फीमेल्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज याद रखिएगा, ये किस पर किया जाता है, जन्माष्टमी के टाइम पर किया जाता है, कृष्ण भगवान के हैप्पी बर्थडे पर किया जाता है, जन्माष्टमी पर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई रास नृत्य जो है वो कहां पर होता है, तो बुंदेलखंड में होता है, कब होता है, जन्माष्टमी पर होता है, और महिलाएं इसमें जो है वो डांस करती है, वही है व्रत हुआ है किसी का, बधाई डांस एक तरीके का हो सकता है, आप ये मान सकते हैं। चलिए यहां तक क्लियर है, यहां तक लिखिए, आगे बढ़ जाए। अगला अगला लिखिए नौराता, अगला लिखिए नौराता, नौराता डांस, नौराता या नौराटा भी इसको कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा, नौराता नृत्य। अब ये जो नौराता नृत्य है ये आपको कब देखने को मिलेगा, नौरातों में, और नौराते कब आएंगी, तो वो नवरात्रि ही होगी, है ना, मतलब नवरात्रि के टाइम पर ये डांस जो है वो किया जाता है ना, किस टाइम पर किया जाता है, नवरात्रि के टाइम पर किया जाता है। अब इसमें किस किस चीजों का उपयोग किया जाएगा, तो इसमें मृदंग का उपयोग किया जाएगा, ढोलक का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, बांसुरी का इस्तेमाल, फ्लूट का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। ठीक है, नवरात्रा फेस्टिवल के टाइम पर। अब ये डांस जो है वो किसके द्वारा कराया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये लड़कियों के द्वारा किया जाता है, किसके लिए, किसके द्वारा कराया जाता है, किसके द्वारा कराया जाता है, तो कन्याओं के द्वारा किया जाता है, या अविवाहित लड़की के द्वारा ये डांस किया जाता है, नौराता डांस, इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और पता नहीं क्यों हमारे यहाँ पर सारे डांस इसीलिए होते हैं कि अच्छे वर मिले, पता नहीं कितने अच्छे वर की कमी जो है, मैं एक अच्छा निकला क्या, कोई और मिल ही देगा लड़कियों को, है ना, अच्छा, मैंने ऐसा नहीं देखा कोई डांस लड़के कर रहे कि अच्छी पत्नी मिले, कितनी आवश्यकता है आज के समय में भाई, कितनी आवश्यकता है, किसी भी पुरुष से पूछ लो सारे यही कहेंगे आपको कि हाँ भाई ये बोलो क्या करना, हम सारे तरह के उपवास करने को तैयार है, डांस करने को तैयार है, लेकिन आज तक कोई आपने देखा कि भाई पुरुषों का डांस है कि भाई उन्हें अच्छी पत्नी, या कोई उपवास है जो अच्छी पत्नी के लिए हो, सब गर्ल्स के लिए ही है, इन्हीं को सब अच्छे पति, और इतने इन्होंने उपवास करे, इतने डांस कर दिए कि सब अच्छे ही हो गए बेचारे, सारे पुरुष अच्छे हो गए, अब उल्टा हो गई कहानी, क्या पुरुषों को कुछ करने की जरूरत है, करो रे आंदोलन आंदोलन करो, कुछ नया करो, अपने भी कुछ अधिकार होने चाहिए, मौलिक अधिकारों को जुड़वाएंगे ये चीजों को, बात समझ में आई आपको, अरे गर्ल्स सब अच्छी होती तो हार्ट अटैक लड़कों मतलब शादीशुदा पुरुषों को क्यों ज्यादा आते हैं, बताना जरा। जग ये तो प्रूफ है, इसका तो पूरा प्रूफ है भैया, भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ये कहानी कि औरतें पुरुषों से ज्यादा जीतती है। अच्छा, महिलाओं को कोई चिंता नहीं रहती, सिर्फ पुरुषों को चिंता रहती, वाह यार ये तो बात ही अलग कर दिया आप लोगों ने। चलिए अब चलो समझ में आ गई कहानी, समझ में आ गई, ठीक है, बस ये थोड़ा सा आपको मोनोटोनस ना लगे ना, आप बोर ना हो, इसलिए मैंने बस थोड़ी सी कहानी में इंटरेस्ट, देखो कैसा इंटरेस्ट है आप लोगों की, नींद खुल गई एकदम से, मतलब बहुत प्रोत हो गए ऊर्जा से, बस इसके लिए किया था। अब वापस मुद्दे पर आ जाओ, देखिए नवरात्रा किस टाइम पर होगा, नवरात्रि के टाइम पर होगा, हमें समझ में आ रहा है ना। अब इसमें दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको ध्यान रखनी है, ये लड़कियों के द्वारा किया जाता है, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे।
और लड़कियों के द्वारा किया जा रहा है, तो लड़कियों के द्वारा हमने सांझा वाला देखा था, है ना, सांझा वाला हमने देखा था, वो भी लड़कियों के द्वारा किया जा रहा था, सोलह वो पितृपक्ष में किया जा रहा था, है ना। यहाँ पर नवरात्रा जो है ये किस टाइम पर किया जा रहा है, ये नवरात्रि के टाइम पर किया जा रहा है, और ये किसके लिए है, एक अच्छा हस्बैंड प्राप्त करने के लिए नवरात्रा डांस जो है वो किया जाता है। क्लियर हो गया? देखो जो जो स्पेशली चीज स्पेशल चीजें रहेंगी उसका आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। जैसे सांझा वॉज स्पेशल, तो उसमें अविवाहित महिलाएं ही कर रही थी, शाम के टाइम पर था, 16 दिन का था, श्राद्ध पक्ष में था। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो हो रहा है ये अच्छा वर प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के टाइम पर हो रहा, तो इनका विशेष विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नवरात्रा के बाद में अगला लिखिए चिक्कट, अगला लिखिए मतलब चिकट, चिक्कट नहीं चिकट, ये कुछ भी नहीं है, बस इसको समझ लो कुछ है नहीं इसमें। अब चिकट डांस में क्या होगा, चिकट का टी तो आया ही नहीं, चिकट, चिकट डांस में ये कब होता है, ये शादी के टाइम पर होता है ना। सारे चिकटे लोग आपको शादी के टाइम पर ही मिलेंगे, है ना, पनीर ताजा नहीं है, गुलाब जामुन मीठी नहीं है, सेव तीखी नहीं है ना, तो सारे चिकटे आपको शादी में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये शादी के टाइम पर होता है, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है, ये फीमेल वाला डांस है, फीमेल ओरिएंटेड डांस है, फीमेल ओरिएंटेड डांस है, महिला आधारित नृत्य जो है वो इसमें किया जाता है, चिकट में जो है वो किया जाता है। और चाहो तो लिख लेना कि ढपला या ढोलक जो है इसका मेन वाद्य यंत्र रहता है। अब इसको कैसे याद करना है, तो इसको याद रखने में ज्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं। क्यों दिक्कत नहीं होगी, देखिए मैंने आपको बता दिया चिकट, अब चिकट से आपको याद आ जाएगा शादी होगी और चिकटे लोग जो है वो सारी चीजें। अब खाना कौन खा रहे हैं, तो पुरुष खाना खा रहे हैं, महिलाएं क्या करेंगी, तो आपने देखा मतलब क्या है पुरुषों के लिए जीवन में, दुनिया में क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। शादी होती है, शादी में भी मतलब सारी जितनी सेरेमनी है, हल्दी देख लो, मेहंदी देख लो, फीमेल ओरिएंटेड चीजें रहती है ना। फिर उसके बाद नाच गाना, महिला संगीत, सब फीमेल ओरिएंटेड। लड़कों के नाम पर है क्या, इनको बारात निकालना है, उसमें वो घोड़े पर बैठा बैठा, घोड़ी पर बैठा बैठा बोर हो जाता है ना। तो दुनिया जो है कहते पुरुष प्रधान है, लेकिन जितना नुकसान जो पुरुषों को हुआ है उसकी क्या ही मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते आप, दुखियारा पुरुष, ठीक है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा कि भाई चिकट डांस में क्या होता है, ठीक है। तो चिकट डांस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई ये डांस जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है, चिकटे पुरुष खाने खा रहे होते हैं, तो उसी टाइम पर महिलाएं जो है डांस वांस करके खाना बचा लेती है, ठीक है। चलो याद हो गया, चलिए अब चिकट के बाद में अगला लिखिए, चिकट के बाद में मैंने आपको लौकार लिखवाया है ना, अरे लिखवाया हो मतलब बताया होगा ना, लिस्ट में लिखवाया था कि नहीं, लौकार नृत्य। अब इसको हिंदी कैसे लिखते हैं वो मुझे पता नहीं है ना, तो अपने हिसाब से थोड़ा दिमाग लगा लेना, मेरी हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी है, बताऊंगा, ठीक है। लौकार लाकोड़, अच्छा ऐसे कैसे लिखते हैं, ठीक है भाई इसको सही कर लेना, थोड़ी हिंदी कमजोर है भाई मेरी, लाकोड़ नृत्य। अब लाकोर नृत्य जो है ये बुंदेलखंड में तो आपको देखने को मिलेगा ही, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये भी शादी के टाइम पर है, ये भी किसके टाइम पर है, शादी के टाइम पर नृत्य किया जा रहा है, जिसको हमने क्या कहा लाकोर नृत्य जो है वो कहा है। अब इसमें मेन इंस्ट्रूमेंट क्या रहता है, तो शादी में मेन इंस्ट्रूमेंट आपको पता ही है, ढोल इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट या मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है, ये किसके द्वारा किया जाता है, तो जो कुशवाहा कम्युनिटी जो रहती है, जैसे अभी हमने यादव के बारे में पढ़ा था, वैसे ही कुशवाहा कम्युनिटी के लोग जो है वो इस डांस को करते हैं, कुशवाहा समुदाय के लोग जो है वो इस डांस को करते हैं, किसके कुशवाहा समुदाय के लोग जो है वो इस डांस को करते हैं, क्लियर है क्या। इन्हीं को कांची भी कहा जाता है, ध्यान रखना कभी कांची पूछ ले तो कंफ्यूज मत हो जाना, इन्हें ही कांची भी कहा जाता है, तो कांची हो कुशवाहा हो एक ही बात है, कोई अलग अलग नहीं है। फिर नेक्स्ट लिखिए, हाँ पुरुष महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। अगला लिखिए कैतकी, अगला लिखिए कैतकी नृत्य, कैतकी ये डांस,
केतकी डांस या केतकी नृत्य। अब ये केतकी नृत्य इसमें भी कुछ नहीं है, केतकी नृत्य जो है ये बेसिकली जिसको कहते हैं ना कार्तिक मंथ में किया जाता है, और इसमें कार्तिक स्नान में ये जो है, ये इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये फीमेल का है, महिलाएं जो है ये करती हैं, ठीक है। फिर ये कब किया जाता है, तो ये कार्तिक माह में किया जाता है। किस माह में किया जाता है, कार्तिक माह में किया जाता है ना। और ये कार्तिक भगवान के जो भजन है उस पर किया जाता है, ऑन कार्तिक, ऑन गॉड कार्तिक। मतलब ये ऐसा है कि कार्तिक माह में जो है नदियों में नहाने का हमारे यहाँ पर रिवाज रहा है, तो उसमें जो है ये स्नान करते हैं, तो उसके लिए करा गया है। ठीक है, क्लियर है, कैथकी समझ में आ गया सभी को। अब कितने हो गए बुंदेलखंड के, लिख लिए के सारे के सारे, बुंदेलखंड के सारे हो गए क्या, कितने लिख लिए, 12 हो गए, कितने, अच्छा 12 नहीं 15 लिखवाए थे शायद, कौन सा बच गया देख के बताना जरा, बचा कौन सा है, बजाई जावरा दिवरे कलगा सेरा, रास ने लिखवाया, रास लिखवाया तो था जन्माष्टमी के टाइम पर, कलश, हाँ कलश बचा होगा, कलश, कलश में कुछ भी नहीं है, सिंपल ऐसे ही बता देता हूँ, कलश का आप ऐसे ही लिख लीजिए। एक अच्छा राश बचा है, चलो मैं एक साथ लिखवा देता हूँ, एक साथ ही लिखवा देता हूँ, एक साथ ही लिख लो आप सारे के सारे, एक लिखो रावला, ये छोटे छोटे एक एक पॉइंट के हैं, बस उसको आप लिख लो, है ना। एक है रावला, ठीक है। अब ये जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है ना, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, रावला नृत्य जो है वो किया जाता है। इसको मैं एक मिनट, इसका हिंदी आपको बताऊंगा, एक मिनट, एक मिनट, मेरे हिसाब से तो वही होता है, बाकी और मैं देख, हाँ किसी मतलब ऐसी जिसको कहते ना कि शुद्धि वाला जो रहता है, जैसे अभी हमने देखा कि भाई वो कार्तिक माह में डांस नाच किया जा रहा है ना, वैसे ही रावला नृत्य जो है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कोई भी पवित्र वाली चीज जो रहती है ना, कोई भी पवित्र, जैसे होली आ रही, दशहरा आ रहा, दिवाली आ रही है, तो उसके टाइम पर किसी पवित्र उस पर जो है ये किया जाता है ना, पवित्र त्योहार पर जो है, या किसी पवित्र उत्सव पर जो है ये किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रावला डांस जो है वो कहते हैं। ये मेल ओरिएंटेड है, वो वहां पर हमने जो पिछला देखा था वो क्या था, वो फीमेल ओरिएंटेड डांस हुआ करता था। फिर एक आपको कलश देखना था, कलश जो है, ये कलश डांस जो है, इसका सिर्फ नाम रख दिया गया है, इसका कोई सेंस नहीं बनता, कलश डांस कैसा है, हर घर में होता है, ये हर हिंदू धर्म में आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई हम कोई भी काम करने से पहले क्या करते हैं, तो हम पूजा वूजा करते हैं, मतलब हम कलश जो है वो रखते हैं, है ना। तो बस ये वही है, और कुछ भी इसमें कोई अंतर नहीं है कलश डांस में, बस आपको ये याद रखना, हमारी एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो बस ये इंपॉर्टेंट है कि ये डांस जो है ये बुंदेलखंड में होता है। जैसे वो पतंग वाला डांस है, तो भाई हमने कहा वो अब रजवाड़ी ये सभी जगह हो रहा, मटकी सभी जगह हो रहा है ना, लेकिन हमने याद किया, स्पेसिफिकली याद किया है कि भाई ये मालवा में है, हमारे एग्जाम के लिए वो जरूरी है। तो ऐसे ही कलश डांस को हमें याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको बुंदेलखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके अलावा क्या बचा था, राश बताया, राश बधिया या राश बधाया, हाँ, वही सिर पे कलश रखकर डांस जो है वो करते हैं, जैसे उसी को कलश डांस जो है वो कहा जाता है। अब राश बधाया जो है वो भी किसमें किया जाता है, तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है ना, और ये शादी के टाइम पर किया जाता है, शादी के टाइम पर जो है ये डांस किया जाता है, जैसे हम क्या कहते हैं राश बधाया जो है वो
वो डांस कहते हैं महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अब कुछ और डांस है, ये थोड़ा सा इसका नाम बस याद रख लेना, इससे डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एटलीस्ट नाम जो है वो पता हो। जैसे एक डांस होता है बाबा डांस, आपसे पूछ ले बाबा डांस कहाँ होता, बाबा नृत्य जो है वो कहाँ होता, हम बोले यार ये क्या बाबू बावले बने यार, बाबा उन पक्ष नाचने लग गए, कहाँ नाच रहे बाबा, है ना। तो बाबा नृत्य जो है ये सिंपल है ना, ये बाबा नृत्य जो है ये सिंपल है, शादी के समय पर होता है, और बाबा नृत्य कर कौन रही है, महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। हंसी की बात ये है, महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जा रहा है, बाबा नृत्य जो है वो किया जा रहा है। अब ये ऐसा है कि कोई पढ़ाता नहीं है, मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूँ, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको है ना छोटा आइडिया रहेगा ना, तो आप वहां पर आराम से एमसीक्यू में लगा लोगे, ऑप्शन देख के हाँ बाबा नृत्य ये पढ़ा हुआ था बुंदेलखंड का है, तो इसके लिए मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ। अब बाबा डांस के बाद में एक डांस और लिख लीजिए, बहु उतराई डांस, बहु उतराई डांस, ये मैं फिर सोच रहा था लिखवाऊं नहीं, बहु उतराई डांस। अब बहु उतराई नृत्य क्या होता है, तो ये एक्चुअली कैसा नृत्य है इसको थोड़ा सा समझिए, किसी की भी शादी होती है और जब शादी के बाद में मतलब जो है बहु घर आती है, तो उसके लिए रहता ना कि भाई एक शुभ घड़ी है ना, लक्ष्मी जी आई है, तो एक डांस जो है वो होता है ना, तो इस वजह से वो बहु उतराई डांस, मतलब सभी जगह पर पूरे सभी उसमें ये होता है, लेकिन ये बुंदेलखंड में फेमस, इसको हमने हमें थ्योरी के टाइम से जो है वो पढ़ना है कि भाई हमसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहु उतराई नृत्य जो है वो कहाँ होता है, होता भले मालवा निमाड़ में हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू कल्चर अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस ये कहाँ पर होता है, ये बहु उतराई नृत्य आपको बुंदेलखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बहु उतराई के बाद में एक लास्ट लिख लीजिए, मोनिया नृत्य, मोनिया नृत्य, ये सब इसलिए तो पढ़ाए जा रहे हैं कि भाई जिनके यहाँ बंद हो गए हो तुम्हें चालू करना, तुम्हें चालू करना, बहू बनो तो तुम्हें कर देना और सास बनो तो भी कर देना, ठीक है, बंद नहीं करना है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए सरकार पढ़ा रही है। ठीक है, अब ये कब से कब तक बनाया जाता है, तो ये दिवाली से बनाया जाता है ना, दिवाली के नेक्स्ट डे से, दिवाली से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक, दिवाली से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक, दिवाली से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये बनाया जाता है, मतलब ये करीबन 14 दिन तक चलता है, दिवाली का नेक्स्ट डे से जो है ये चालू होता है और करीबन 14 दिन तक ये मोनिया डांस जो है वो चलता है। ठीक है, अब ये डांस को थोड़ा सा देख लेना, इसके यहाँ लिख रहा हूँ वापस से, मोनिया डांस, मोनिका डांस मत कर देना, मोनिया डांस है। अब मोनिया डांस के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है कि मोनिया डांस जो है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, फिर दूसरी मेन डांस है, पुरुषों का ये डांस है ना, कितने दिन चलता है, तो 14 दिन जो है ये डांस चलता है। अब 14 दिन ये डांस में क्या करते हैं, है ना, तो ये डांस, ये इसका नाम मोनिया क्यों है, क्योंकि ये मौन रहते हैं, साइलेंट डांस है ना, ये कैसा है, साइलेंट डांस है, ये एक मौन नृत्य है। ठीक है, ये क्या है, इट इज अ साइलेंट डांस, कहाँ पर होता है, बुंदेलखंड में होता है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, क्योंकि ये मौन रहने से संबंधित है, इसीलिए इसे मोनिया डांस जो है वो कहा जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई, इसमें क्या मजा आता होगा, इसी में सबसे ज्यादा मजा आता होगा, ये ऐसा कर लेते होंगे कि भाई अब हम 14 दिन बोलेंगे नहीं, तो बीबी जो है वो क्या है, कैसे क्या करेगी, कुछ कर ही नहीं सकती, सुकून ही सुकून है जीवन में, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई लफड़ा ही नहीं। ठीक है, कितने हो गए आप टोटल, हाँ वो तो जितने भी डांस है, धीरे विरोधी होते जा रहे हो, ठीक है, चलिए 18-19 जितने हो गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आपको क्लियर हो गए इतने सारे के सारे। अब अपन बघेलखंड पर आ जाए, अरे एक और लिख लो यार, चलो अभी तो बुंदेलखंड बुंदेलखंड चलो आखिरी में लिखवाऊंगा, मैं ट्राइबल डांस भी आपको लिखवा दूंगा, जैसे एक डांस लिखवाना था दुलदुल घोड़ी, वो लिखवाना था आपको, तो वो लिखवाऊंगा मैं आपको आगे। ठीक है, वैसे तो मैं एक बार बता चुका हूँ, बट फिर भी उसको मैं सारे डांस में सारे ट्राइब वाले में लिखवा दूंगा। चलिए अगला लिखिए, डांस ऑफ बघेलखंड, अब पहले डांस ऑफ बघेलखंड कर लेते हैं, फिर सॉन्ग्स ऑफ बघेलखंड कर लेते हैं, बघेलखंड के नृत्य,
बघेलखंड के उन्नत, बघेलखंड के उन्नत। एक मिनट रुकोगे क्या आप लोग? एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए, मुझे बुलाया जा रहा है तो मैं दो मिनट देख लूं क्या काम है, ठीक है? फिर उसके बाद अपन करते हैं कहानी को शुरू कर।
चलिए सॉरी फॉर द डिले, घर पे काम आ गया। नहीं मैं तो ऑफिस में हूँ ना, मैं तो ऑफिस में हूँ, थोड़ा सा घर का काम था तो वो कर रहा हूँ, जो लैंडलॉर्ड है उनसे बात कर रहा हूँ। चलिए अब बघेलखंड डांस की हमें बात करनी है, तो बघेलखंड डांस जो है उनको पहले लिख लीजिए, फिर देन हम जो है आगे की कहानी को पूरा के पूरा कंप्लीट करेंगे कि बघेलखंड में। चलिए अब पहले लिस्ट बना लेते हैं बघेलखंड डांस की। बघेलखंड डांस में सबसे पहले लिखेंगे क्या, बिरहा डांस, इंपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान रखें, बिरहा डांस, बिरहा नृत्य, बिरहा नृत्य। फिर सेकंड लिखेंगे बिरहा नृत्य के बाद में राई डांस। राई अपन ने ऑलरेडी अभी कवर कर चुके हैं बुंदेलखंड में, मैंने आपको बताया था कि बघेलखंड में भी ये होता है ना, राई नृत्य, अभी ये थोड़ी देर पहले ही अपन ने इसको किया। फिर राई नृत्य के बाद में थर्ड इसमें लिखेंगे कहरा डांस, थर्ड क्या हो गया, थर्ड इस कहरा नृत्य। फिर फोर्थ जो हमें डांस के बारे में लिखना है वो है दादर डांस, दादर डांस, दादर नृत्य। फिर फिफ्थ डांस जो है वो हमें लिखना है कलश डांस। अब कलश डांस ऑलरेडी अभी अपन कवर कर चुके हैं। अब देख रहे हो आप बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों पास पास में हैं, तो दोनों में आपको सेम चीजें देखने को मिल रही हैं। मालवा और निमाड़ पास पास थे, उसमें आपने फिर से सेम चीजें देखी थी, है ना। तो ये इस तरीके से होता है, जो एकदम पास पास है ना वहां पर एक ही जैसे डांस जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एक यहाँ पर होता है केमली डांस, केमली नृत्य, जो आप देखते हो ना पीएससी ने एक पहले एक को आंसर मानती फिर दो को मानती, वो इसी वजह से होता है कि पास पास के ऑप्शन दे देते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। फिर एक है सुवा डांस, सुवा नृत्य, सुवा नृत्य। फिर सुवा के बाद में नेक्स्ट लिखेंगे क्या, बीची डांस, ये बीच पे नहीं होता बस सर, बीची डांस, बीची नृत्य। फिर नाइन्थ लिखेंगे इसमें डागरा डांस, डागरा डांस। डागरा नृत्य, ठीक है। तो ये नौ डांस के बारे में हमें पढ़ना है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, तो बिरहा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राई में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, केमली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सुवा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चार डांस जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें बिरहा जो है वो मेंस तक में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका थोड़ा सा विशेष विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुई क्या बात, समझ में आई क्या यहाँ तक की। अब इसमें एक दो और बच गए हैं, वो लिख लो, एक दो और नाम लिख लीजिए। एक है बदाम डांस या बदम नृत्य, बदम नृत्य, ये भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर एक और डांस लिख लीजिए इसमें बदम के बाद में, कर्मा लिखवा दिया क्या, इंपॉर्टेंट तो रही गया, कर्मा डांस, कर्मा नृत्य, है ना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बदाम और कर्मा, कर्मा तो कुछ ज्यादा ही है, ठीक है, दादर मैंने लिखवा दिया है। कहरा मैंने लिखवा दिया है, केमली मैंने लिखवा दिया है, कलसा लिखवा दिया है, एक और लिख लेता इसमें हल्की या हल्की डांस, इसको और लिख, हल्की नृत्य, ठीक है। अब ये 12 डांस के बारे में हमें पढ़ना है, एक एक करके हम सारी चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं कि भाई केहरा में क्या होगा, इसमें क्या होगा, भदम में क्या होगा, इनको एक एक करके हम पढ़ने की शुरुआत जो है वो करते हैं। चलिए अब सबसे पहले कहानी जो है वो हम चालू करते हैं भदम डांस से ही, तो हेडिंग डालिए भदम डांस,
अब ये भदम डांस क्या होता है, भदम नृत्य क्या होता है, इसको समझने की शुरुआत जो है वो करते हैं। अब लोकेशन वाइज देखें, अगर इसमें इसका स्थान देखें तो बघेलखंड में तो होगा ना, लेकिन ये बघेलखंड में या बघेलखंड के अलावा आपको जबलपुर छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलेगा? जबलपुर छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में भी आपको ये भदम डांस जो है वो देखने को मिल जाता है। अब ये भदम नृत्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भदम नृत्य जो है ये किया जाता है, कास्ट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं जाति की बात करूं कि भदम नृत्य जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या आता है? भदम नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है? भारिया ट्राइब के द्वारा किया जाता है। अब भारिया ट्राइब आपको अच्छे से याद होगा, भारिया जनजाति के बारे में अच्छे से याद होगा, छिंदवाड़ा के पातालकोट में निवास करती है, पीवीटीजी में आती, अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में ये आती है ना, तो भारिया जनजाति। अब जैसे ही जनजाति नाम आ गया तो सीधी सी बात है कि कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट भाई ये हो सकता है, तो इसीलिए इसको विशेष विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि ये डांस जो है वो किसका है। तो ये भारिया जनजाति मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारिया जाति, अब भारिया जाति जनजाति जो है ये भार उठाती थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? भारिया जनजाति इसका नाम पड़ा था, भार उठाने के लिए जाने जाते थे, है ना। तो अब हम कहते ना धम्म से गिर पड़े, इस टाइप से आपको इसको याद करना है कि भार उठाया और भार उठाने के कारण क्या हुआ, ज्यादा भार हो गया तो वहीं की वहीं गिर पड़े या फिसल गए। अब ये जो भदम डांस है इसके अन्य कई नाम है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अन्य कई नाम है ऑल्सो नोन एज। यही भदम डांस को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो यही भदम नृत्य को हम लोग जानते हैं गुन्नू शाही के नाम से, गुन्नू शाही के नाम से ये पूछ लिया जाता है ना, गुन्नू शाही के नाम से, ठीक है। फिर सेकंड लिखेंगे क्या? भदनी के नाम से, भदनी के नाम से इसे जाना जाता है। नंबर थर्ड इसे हम लिखेंगे क्या? भदनई के नाम से, ये सब एक ही है, भदनई के नाम से। और नंबर फोर्थ इसको लिखेंगे भारनोट के नाम से, भारनोट के नाम से इसे ही क्या कहा जाता है? भारनोट नृत्य भी कहा जाता है। और एक इसे ले लेना, इसे ही भंगम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भंगम डांस भी कहा जाता है, भंगम नृत्य भी कहा जाता है। बात समझ में आई क्या? एक ही डांस है, एक जैसे आपको सारी चीजें मिल गई, भदनी, भदनई, भारनोट, भंगम, ये सारे के सारे आपको देखने को मिल गए। तो ये क्या है? ये भदम डांस को ही इतने सारे नाम से जो है वो जाना जाता है। क्लियर है क्या? ये डांस जो है ये कब होता है, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ये डांस जो है, ये नृत्य जो है ये कब होता है? तो ये शादी के अवसर पर होता है ना, शादी के टाइम पर ये डांस जो है भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इसी डांस को हम क्या कहते हैं? भदम डांस जो है वो कहते हैं। अब भारिया जनजाति के कोई, मुझे लिखा है कि मैंने ये लिखा, भारिया जनजाति के कोई से और डांस बता सकते हो? मैंने भारिया जनजाति के ऑलरेडी आपको डांस जो है ट्राइब वाले लेक्चर में प्लस पर जो है ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि भारिया जनजाति ये डांस करती है। हाँ, सेला डांस किसके द्वारा किया जाता है? इन्हीं के द्वारा किया जाता है। भदम डांस किसके द्वारा किया जाता है? इन्हीं के द्वारा किया जाता है। फिर अहिराई डांस किसके द्वारा किया जाता है? इन्हीं के द्वारा किया जाता है ना। हाँ, सेतम डांस किसके द्वारा किया जाता है? यही ट्राइब के द्वारा किया जाता है। तो ये चीजें आपको विशेष विशेष तौर से ध्यान रखनी। हाँ, कर्मा भी करता तो अपना अलग से लिख ही लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें किसमें थी? भदम डांस में थी, इसका विशेष विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? बात समझ में आई क्या? इसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे भदम के बाद में, अगला लिखिए कहरा नृत्य, कहरा नृत्य या इसी को हम कहेंगे कहरा डांस, कहरा नृत्य या कहरा डांस। अब ये जो कहरा नृत्य होता है इसको लिख लीजिए, इसकी लोकेशन में कुछ अलग जगह भी रहेंगी तो उनके नाम भी हम लिखते चलेंगे अब साथ के साथ। लोकेशन स्थान क्या है, किस जगह पर कहरा नृत्य जो है वो होता है? तो कहरा नृत्य में नाम लिखेंगे सबसे पहले, बघेलखंड वाले क्षेत्र में आपको कहरा नृत्य जो है वो देखने को मिलेगा।
बघेलखंड वाले क्षेत्र में आपको कहरा नृत्य जो है वो देखने को मिलेगा। फिर इसमें कम्युनिटी, कौन सा समुदाय ये डांस करता है, कहरा नृत्य जो है वो किस कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। कौन सी कम्युनिटी है जो कहरा नृत्य को परफॉर्म करती है, तो ये बारी बारी जाति जो है, बारी जाति के लोग जो है इसको परफॉर्म करते हैं। किसको परफॉर्म करते हैं, तो कहरा नृत्य को परफॉर्म करते हैं बारी जाति के लोग जो है वो इसे परफॉर्म जो है करते हैं, इस डांस को, कहरा नृत्य को जो है परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है कि भाई इसमें इंस्ट्रूमेंट का उपयोग क्या किया जाता है, इसमें वाद्य यंत्र का, कौन से वाद्य यंत्र का, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, तो इसमें वाद्य यंत्र का नाम लिख लेंगे कि इसमें बेसिकली ढोलक का और फ्लूट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, ढोलक एंड फ्लूट। फ्लूट मतलब क्या हुआ, बांसुरी। ढोलक एवं फ्लूट का उपयोग जो है वो किया जाता है इसमें। फिर नेक्स्ट जो है वो आपको जिस जो इसके बारे में जानना है वो क्या है चीज, तो वो लिखिए ये परफॉर्म कौन करता है, इसके परफॉर्मर कौन हुए, इसे प्रस्तुत कौन करता है, तो ये पुरुष एवं महिला दोनों के द्वारा किया जाता है, मेन प्लस वुमेन दोनों के द्वारा ही ये डांस किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहरा डांस जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब कहरा जो है ये गीत भी होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, है ना। कहरा जो शब्द हम यहाँ लिख रहे हैं, ये कहरा क्या क्या होता है, तो ये कहरा जो है ये गीत भी होता है, मतलब ये सॉन्ग को भी कहरा ही कहा जाता है, ये डांस को भी कहरा ही कहा जाता है, और ये सॉन्ग पर जो रिदम है, जो ताल है, है ना, जो रिदम है, जो ताल है, उसे भी क्या कहा जाता है, कहरा ताल ही कहा जाता है, कहरा रिदम ही कहा जाता है। तीनों चीजें समझ में आई क्या, ठीक है। अब इसी में एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि ये कहरा डांस का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, तो इसमें होता है फुरहरी। अब ये शब्द याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है, फुरहरी, है ना, फुरहरी। अब ये डांस जब होता है तो इसमें महिलाएं फुरहरी करती है, है ना। अब फुरहरी क्या है, तो जो हमने फुगड़ी पढ़ा था, याद है कल के टाइम पर फुंडी पढ़ा था, फुगड़ी पढ़ा था कि जिसमें फुगड़ी खेल रहे थे, बस वही चीजें जो है वो महिलाओं के द्वारा कहरा सॉन्ग जब गाया जाता है, जब कहरा गीत गाया जाता है, तो महिलाएं क्या कर रही होती है, फुगड़ी खेल रही होती है, तो उसे ही बुंदे बघेलखंड में क्या कहा जाता है, उसे फुरहरी कहा जाता है, है ना। तो ये चीज मेंशन कर लेना आप अपने शब्दों में, लिख लीजिए कि महिलाओं द्वारा जो फुगड़ी खेला जाता है कहरा गीत पर, उसे ही फुरहरी कहा जाता है, जो कि बघेलखंड में होता है, है ना। तो इसको याद से लिख लीजिएगा, इट इज इम्पोर्टेंट, ये पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, इतने इतनी बात क्लियर है क्या। इंस्ट्रूमेंट बता दिया मैंने, ढोलक और फ्लूट आपको दोनों चीजें लिखवा दी। अब कहरा के बाद लिखेंगे कैमली, अगला लिखिए केमली, केमली डांस, केमली नृत्य, केमली नृत्य क्या है, ये साजन, साजन सजनी डांस भी इसे कहा जाता है, है ना। पहले चलो बाकी चीजें लिख लो, फिर उसके बाद इसके बारे में आपको लिखवाऊंगा, है ना। लोकेशन क्या हो गई, तो लोकेशन हो गई बुंदेल बघेलखंड, है ना। किस स्थान पर होता है केमली डांस, किस स्थान पर होता है, तो इसका स्थान है बघेलखंड, जहां पर आपको केमली डांस जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर किस टाइम पर होता है केमली डांस जो है वो, किस टाइम पर होता है, ना? किस पर्व पर होता है, ओकेशन क्या रहता है, तो ये होता है शादी के टाइम पर, शादियों के टाइम पर ये डांस होता है, जिसे क्या कहा जाता है, केमली डांस कहा जाता है। और इसमें इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं, जो वाद्य यंत्र यूज होते हैं, जो वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है वो किसका उपयोग किया जाता है, ढोलक का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देख रहे हो ढोलक, अब ऐसी चीज है कि तुम कोई सा भी डांस आ रहा है उसमें अगर तुम ढोलक लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ढोलक लिख भी लोगे तो किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट पर इतना ज्यादा जोर नहीं देंगे, है ना। अब इसकी जो प्रोमिनेंस है वो क्या है, ये जो डांस होता है ना केमली डांस,
इसके बारे में नोट डाल के लिख लेना ये चीज को, जो इसमें इंपॉर्टेंट है। ये कैसा डांस है? ये प्रश्न उत्तर नृत्य है। प्रश्न उत्तर नृत्य आपको देखने को मिलता है ना। ये कैसा है? क्वेश्चन आंसर डांस। क्वेश्चन आंसर डांस क्या है कि एक साइड जो है वो क्वेश्चन पूछेगी, दूसरी साइड जो है वो उसका आंसर करेगा। ठीक है, इसी को और किस नाम से जाना जाता है? नोट में ही दूसरी चीज लिखना, इट इज ऑल्सो नोन एज साजन सजनी डांस। अब साजन सजनी में समझ में आ ही रहा होगा आपको, पुरुष स्त्री दोनों ही आ गए। साजन सजनी डांस भी इसे कहा जाता है, इसे साजन सजनी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और लास्ट बस इसमें नोट डाल के लिख लो, पुरुष और महिलाएं दोनों करती हैं। अब इसमें अब सीधी सी बात है, क्वेश्चन आंसर की स्टाइल में है तो कभी गुस्सा भी होगी, कभी प्यार से बात भी करेंगी, सारी चीजें होगी। तो इसमें आपको इमोशंस जो है, भाव जो है वो देखने को मिल जाते हैं, है ना, भाव जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो केमली डांस है ना, केमली डांस आपको कहाँ देखने को, अब इसको कैसे याद करोगे? के मिली है ना, या कहाँ मिली, के को हम कहाँ कर ले, कहाँ मिली, तो शादी में मिली। शादी में मिली तो क्या हुआ? ढोलक बज रही थी, सारंगी बज रही थी, नाच गाना हो रहा था, और हमने क्वेश्चन आंसर में ही पूछ लिया कि भैया कहाँ से हो, मैं जॉब करता हूँ, है ना, मैं कॉलेज में हूँ, कुछ जम सकता है क्या मामला? तो केमली डांस है ना, आपने कहाँ मिली, आपको शादी में मिली, और शादी में आपने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जो है डांस जो है वो किया, उसी को क्या कहा गया? केमली डांस जो है कहा गया। क्लियर है बात, समझ में आ गई क्या? अब केमली डांस के बाद में अगला लिखिए। चलो, अरे भैया मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं यार, ट्रिक पर ध्यान दो, अपने को इसको इंप्लीमेंट नहीं करना, इसको याद करने की ट्रिक है, ये इंप्लीमेंट करने की ट्रिक नहीं है बेटा। चलिए अगला लिखिए, दादा डांस। दादर डांस, दादर नृत्य। दादर नृत्य, चलिए अब दादर नृत्य के बारे में बात करें तो लोकेशन, स्थान कहां पर है, तो हमने पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया ना मैं एक वर्ष में दो बार जितना जीता हूं, तो मेरे पास हर चीज का भरपूर एक्सपीरियंस है, भरपूर। बघेलखंड, आप तो बोलो बस क्या चीज है, सबके टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगा मैं आपको। ओकेशन, पर्व क्या है, ठीक है, तो बर्थ है, जन्म है किसी का, है ना, या शादी है किसी की, ठीक है, एक्सेट्रा, किसी की शादी है, जन्म हो रहा है किसी का, तो उस टाइम पर दादर डांस जो है वो किया जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देख लेना, इसमें कम्युनिटी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कौन से समुदाय के द्वारा ये किया जाता है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि किस समुदाय के द्वारा दादर नृत्य जो है वो किया जाता है। तो ये किया जाता है कोल जनजाति के द्वारा, ये किया जाता है कोल जनजाति के द्वारा, कोतवार जनजाति के द्वारा, कोतवार जनजाति के द्वारा, और कहर जनजाति के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विशेष विशेष तौर से इसका ध्यान रख लीजिएगा, फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो इस बात को, इधर उधर भटको मत, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जो दादर डांस है ये किसके द्वारा किया जाता है, कोल कोतवार और कहर जनजाति के द्वारा इसको, इस डांस को किया जाता है। अब ये डांस के परफॉर्मर कौन है, किसके द्वारा ये डांस किया जाता है, तो इस डांस को परफॉर्म किया जाता है पुरुषों के द्वारा, किसके द्वारा, कहर कौन, दादर डांस जो है वो कौन करेगा, ये मेन्स के द्वारा किया जाएगा, पुरुषों के द्वारा डांस जो है वो किया जाता है। चलिए अब ये किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा डांस किया जाता है, कोल कोतवार कहर जनजाति के द्वारा किया जाता है, और किसी भी ऐसा खुशी के अवसर पर जो है वो बघेलखंड वाले क्षेत्र में किया जाता है। अब इसको याद रखना थोड़ा सा आसान है, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको याद रखने में कैसे दिक्कत नहीं है, तो इसको आप याद कर सकते हैं, दादर डांस को दादा जो है डांस करते हैं, दादा कौन है, पुरुष है, और कौन से जब दादा है ना, कौन सी जाति के दादा है, तो कोतवार जनजाति के है, कहर जनजाति के है, कोल जनजाति के है। अब इसको भी और ज्यादा आपको याद करना तो बहुत ईजी है, कैसे, आपके दादा क्या है, कोतवाल है, आपके दादा कोतवाल है, उन्होंने अलग ही कहर मचा रखा है, उन्होंने अलग ही कहर जो है वो मचा रखा है,
और बस अब याद रख लेना कि आप कोल हो, है ना, आप कोल, दादा, हाँ ऐसे याद कर लो, सबसे बढ़िया है। दादा जो है वो कोतवाल जनजाति के है, कोतवाल है, और जो है उन्होंने अलग ही कहर बचा रखा है, और वैसे वो कूल है ना। दादा कोतवाल है, कहर बरपा रखा है, लेकिन वैसे घर में वो कूल है। तो ये आपको याद हो गई सारी चीजें, क्लियर है? दादर डांस समझ में आ गया क्या? अब मेन चीज मैं आपको बता दूं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा ना, कि कहर जनजाति इनमें से कौन सा नृत्य करती है, कोल जनजाति इनमें से कौन सा नृत्य करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब दादर डांस के बाद में अगला डांस लिखेंगे कलसा डांस। कलसा डांस, कलसा नृत्य। अब ये जो कलसा नृत्य है, ये स्थान तो आपको समझ में आ गया, स्थान क्या है, बघेलखंड में ये होगा। कहाँ पर होगा? बघेलखंड वाले क्षेत्र में आपको कलसा नृत्य जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये कब किया जाता है, इसका ओकेशन क्या है, पर्व क्या है कलसा नृत्य करने का, कलसा नृत्य करने का पर्व जो है उसको लिख लीजिए। ये होता है किसके टाइम पर, जब बारात आती है ना, बारात जब आती है, जब क्या होता है, जब आपका कलसा नृत्य जो है वो होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पहले मैं आपको इंस्ट्रूमेंट लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद इसमें इंस्ट्रूमेंट लिख लो, फिर इसका मेजर पॉइंट बताऊंगा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इंस्ट्रूमेंट, इसका वाद्य यंत्र क्या है? तो ढोलक, शहनाई, ढोलक, शहनाई, ठीक है, और एक और लिख लो, नगाड़े। ठीक है, अब नोट डाल के एक चीज लिख लेना, ये कौन सी कम्युनिटी करती है ना, किस कम्युनिटी के द्वारा ये डांस जो है वो किया जाता है। तो इसमें लिखेंगे अहीर, गुड़का और गडरिया। अहीर, अहीर जाति, गुड़टा जाति और गडरिया, ठीक है, इनके द्वारा क्या किया जाता है, ये कलसा नृत्य जो है वो किया जाता है। अब ये दांत जो, ये डांस जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, कलसा डांस जो है वो पुरुष और महिलाएं दोनों के द्वारा किया जाता है। जैसे हमने कलश डांस में देखा था कि शादी में जब बारात आती है तो एक महिला जो है वो कलश लेकर खड़ी रहती है, और हमारे यहाँ पर वैसा वैसा होता है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो है इसको लेकर डांस किया जाता है, कलश को लेकर डांस किया जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसको कलसा डांस कहा जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट एक ही है, बस यहाँ पर ये है कि अपने को कम्युनिटी के नाम से, समुदाय के नाम से पकड़ के चलना है कि अहीर जनजाति जो है, गुड़ता जो है, गडरिया जो है, इनके द्वारा ये नृत्य जो है वो किया जाता है। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके बाद में अगला लिखिए हुलकी, हुलकी, हुलकी डांस, हुलकी नृत्य, हुलकी नृत्य लिखो। हुलकी नृत्य जो है, लोकेशन तो आपको पता ही है कि लोकेशन कहाँ पर आएगी, है ना। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, या इसमें सीधे कम्युनिटी लिखो कि इसमें कौन सी कम्युनिटी है, जो कौन सा समुदाय है जो ये नृत्य करता है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष विशेष तौर से लिखना, मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मुड़िया ट्राइब के द्वारा किया जाता है, मुड़िया जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। फिर नेक्स्ट, किसके द्वारा किया जाता है, परफॉर्मर कौन रहते हैं, किसके द्वारा ये किया जाता है, तो इसमें लिख लेना बॉयज प्लस गर्ल्स, लड़के लड़कियों के द्वारा ये किया जाता है ना, बॉयज प्लस गर्ल्स के द्वारा इसको परफॉर्म जो है वो किया जाता है। अब ये किस ओकेशन पर होता है, किस पर्व पर होता है, ओकेशन क्या रहता है, या इसका पर्व जो है वो क्या रहता है, तो कोई भी हैप्पी मोमेंट जो है ना, कोई भी जो हैप्पी मोमेंट जो है, कोई भी खुशी के क्षणों में किया जाता है। और ये किसका भाग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये किसका भाग है,
तो ये भाग है घोटुल का। अब याद आ रहा है क्या, मैंने आपको ट्राइब में पढ़ाया था मुड़िया, मुड़िया एंड इट्स घोटुल, मुड़िया एंड इट्स घोटुल, ये आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये घोटुल का ही भाग है, जिसे क्या कहा जाता है, जैसे हुल्की डांस जो है वो कहा जाता है ना, इसे ही हुल्की पाटा, घोटुल प्रथा के अंतर्गत हुल्की पाटा होता है, और हुल्की पाटा में ही ये नृत्य जो है वो लड़के लड़कियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना। अब अगला डांस लिखेंगे मंदरी डांस, मंदरी, बंदरी मत कर देना है ना, मंदरी है ये, मंदरी, मंदरी डांस। मंदरी नृत्य, एक चीज बताओ कितने बच्चे दिख रहे हैं तुमको क्लास में, लाइव कितने लाइव दिख रहे हैं, 146। टिकती नहीं लोगों की, 1 घंटे से ज्यादा है ना, टिकती नहीं 1 घंटे से ज्यादा। नहीं यार चलो यार, बहुत देर से पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारा पढ़ाते हैं, टिंडर बना रखा है, मेरे को दिख रहा है 102, इसलिए पूछा मैंने कि कितने दिख रहे हैं आपको, पहले बहुत ज्यादा थे, अब एकदम से इतने धीरे धीरे ये जाते ही जा रहे हैं, तो हुआ क्या। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई 2 घंटे की 3 घंटे की क्लास होनी चाहिए, ऐसे करके सिटिंग बनना चालू होती है। मुझे कम क्यों सीन होते हैं, देखिए आपको दिखता है टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर जो है वो, कि भाई अभी कितने लोगों ने ये क्लास में एंटर करे थे, और कितनी क्लास जो है मतलब कितने लोगों ने इसको विजिट किया, और हमें दिखता है कि विजिट करने का कितने बच्चे हैं, कितने बैठे हैं, कितना पढ़ा रहा है, कितने मतलब अच्छा समझ में आ जाए टीचर को कि भाई बच्चों को मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसके लिए ऐसा कुछ लगता है। चलिए अब अगला लिखिए मंदरी डांस, मंदरी। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहले कम्युनिटी का, हो सकता है ये भी हो सकता है कि मेरे ख्याल से अब तो ये बंद हो गया है, 1 घंटे वाला बंद हो गया, लोग टिकती नहीं है, सही बात तो ये है। कम्युनिटी किसके द्वारा किया जाता है, तो ये मंदरी डांस में मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, पहले ही बता रहा हूं है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। ये जो डांस है ये तालियों की थाप पर होता है ना, नोट डाल के लिखना, डांस ऑन क्लैपिंग, नो सॉन्ग संग, है ना, कोई गाना नहीं गाया जाता इसमें, नो सॉन्ग संग। अब क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, इनमें से कौन सा नृत्य जो है वो गानों पर नहीं होता है, ये तालियों की थाप पर होता है, अब कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे ये कौन सा है ना, तो इसीलिए इसको याद रखना, ये किस पर होता है, ये तालियों की थाप पर होता है, तालियों की थाप पर होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, है ना। अब इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखना बहुत आसान है, कैसे आसान है ना, देखिए जो मंद बुद्धि का होगा उसको समझ नहीं आएगा, आप बोलोगे जैसे मैं बोलूँ कि कोई जैसे अभिषेक है, मैंने कहा अभिषेक नहीं सुन रहा, अभिषेक नहीं सुन रहा, ताली बजाइए अभिषेक, बट हाँ क्या बोल रहे हो भैया, ये तो मंद बुद्धि वालों के लिए है, तो इस तरीके से याद रख लेना, कि याद करने के लिए कह रहा हूँ ना, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि किसी डांस को किसी प्रथा को गलत कहना, लेकिन याद कराने के लिए कर रहा हूँ कि ये तालियों की थाप पर होता है ना, तालियों की थाप पर होता है, इसमें गाने वाने जो है वो नहीं होते, कोई भजन कीर्तन जो है वो इसमें नहीं होते हैं। अच्छा किसके द्वारा करे जाते हैं, परफॉर्मर कौन रहता है, अगर ये आपसे पूछ ले तो परफॉर्मर लिख लोगे, ये मेल्स के द्वारा किया जाता है ना, यही खोए हुए रहते हैं, पुरुष के द्वारा किया जाता है, खोए हुए रहते हैं, समझ सूझ नहीं पड़ रही होती दुनिया में चल क्या रहा है इनके साथ में, तो मेल डांसर के द्वारा किया जाता है। सर गरबा भी होता है तालियों से ना, हाँ गरबा भी तालियों से ही होता है, कल तो बताया था गरबा गरबी सबके बारे में तो लिखवाया था ना,
हाँ मैं भी यही देख रहा था। चलिए अब परफॉर्मर कौन होता है, ध्यान से समझना। इसमें मेल जो है वो परफॉर्मर होता है, पुरुष जो है वो परफॉर्मर होता है, पुरुष ही जो है वो करता है ना। लेकिन इसमें लड़कियों का भी कुछ जगहों पर ये देखा गया है कि लड़कियों को भी इसमें शामिल किया जाता है, और पुरुष और महिलाएं दोनों ही ये डांस को करती हैं। अब इसमें एक चीज और देख लेना, इसमें ये डांस कैसा रहता है। तो आपने अगर कुछ ऐसे विदेशी डांस देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि एक बंदे ने डांस किया, फिर वो जाकर पीछे खड़ा हो गया, वो पीछे बस हिल रहे हैं सारे के सारे, फिर दूसरा आएगा वो डांस करेगा है ना, फिर वो जाके खड़ा हो जाएगा। ये उस तरीके का डांस होता है ना, ये उस तरीके का डांस होता है। मतलब एक एक परफॉर्म करते हुए जा रहा है स्टेज पर ही, पर इस तरीके का हो रहा है। तो लिख लो इसको, आप अपने शब्दों में लिख लो चाहो तो इसको। क्लियर है, लिख लिया है। गिद्धा, गिद्धा डांस होता है पंजाबियों में, गिद्धा डांस बहुत फेमस होता है। चलिए सुआ डांस मैंने लिखवा दिया, क्या आपको सुआ, तो लिखो सुवा डांस, ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाता है ना, सुवा नृत्य। सुवा नृत्य, अब सुवा नृत्य क्या होता है इसको समझ लेते हैं। चलिए अब सुवा नृत्य जो है ये कहाँ पर होता है, बघेलखंड में होता है। लेकिन ये होता कब है, तो जब फसल पकती है ना, जब खरीफ की फसल पकती है, खरीफ की फसल पकने पर, खरीफ की फसल पकने पर। अरे लड़ो मत यार, खरीफ की फसल पकने पर है ना, ऑन राइपनिंग ऑफ खरीफ क्रॉप। अच्छा खरीफ की फसल होती कब है ये बताना जरा, खरीफ की फसल होती कब है, ये सब पढ़ाया हुआ है। रबी की फसल कब होगी, खरीफ की फसल कब होगी, खरीफ की फसल कब होती है? ये जो टाइम रहता है हार्वेस्टिंग सीजन जो रहता है हमारा है ना, उसमें आपको देखने को मिलती है खरीफ की फसल। ठीक है, नहीं पता है तो पढ़ लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। हाँ अब कटाई होती है ना, मतलब हमने इसको याद किया था, खरीफ को गरीब से याद किया था, खरीफ को गरीब से याद किया था कि भाई जब सूर्य महोदय मेहरबान नहीं रहते हैं, और फिर रावी की फसल, रावी रवि रवि मतलब तो सूर्य होता है, जब सूर्य एकदम मेहरबान है, बादल वादल का कोई संकट ही नहीं है, इस तरीके से याद कराया हुआ है मैंने आपको। ठीक है चलिए, तो खरीफ की फसल पकने पर मतलब अब क्या होगा, अब आपका सुवा नृत्य होगा। कहाँ पर होता है सुवा नृत्य, तो ये बघेलखंड में आपको सुवा नृत्य जो है वो देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा बेटा, बघेलखंड वाले क्षेत्र में आपको सुवा नृत्य जो है वो देखने को मिलेगा। अब ये नृत्य जो है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है ध्यान रखना, फीमेल्स के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा ये नृत्य जो है वो किया जाता है। अब बेसिकली ये किसके द्वारा किया जाता है, तो एक और चीज याद रखना, ये गोंड जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है, बाय गोंड ट्राइब। अब क्वेश्चन आ जाएगा गोंड जनजाति इनमें से कौन सा नृत्य करती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गोंड जनजाति के लिए किया जाता है ना। अब इसमें दोनों चीजें होती हैं, इसमें क्या क्या दोनों चीजें होती हैं, तो एक गाने गाए जाते हैं और एक ताली बजाई जाती है ना। एक ताली बजाई जाती है मतलब ताली क्या हो गई, म्यूजिक दे रहे हैं, और गाने किससे चल रहे हैं, तो गाने जो है वो गा रहे हैं ना। अब इसमें ये जो गाने गाते हैं ये क्या कर रहे होते हैं, इसमें ये पैरट के लिए गा रहे होते हैं, मिट्टू के लिए गा रहे होते हैं, ये प्रथा है जिसको कहते हैं ना, मिट्टू के लिए जो है वो गा रहे होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हुआ। सुवा नृत्य जो है वो कहां पर होगा, बघेलखंड में नृत्य होता है, खरीफ की फसल पकने पर होता है, महिलाएं खुश होती हैं, पैरट को आमंत्रित कर रही होती हैं, एक तरीके से मिट्टू को आमंत्रित कर रही होती हैं, इसी के लिए ये गीत गाती हैं, और म्यूजिक किससे दिया जाता है, तालियों के फॉर्म में दिया जाता है। फिर अगला लिखिए बीची डांस, अगला लिखिए बीची डांस। आज
की पूरी क्लास निकल जाएगी, हमारे डांस ही खत्म नहीं हो पा रहे हैं, ड्रामा तो चालू ही नहीं हुआ है। बीची नृत्य, मेरी क्लास पीछे हो ही जाती है यार। बीची नृत्य, अब बीची नृत्य के बारे में एक एक करके चीजें समझ लीजिए। पहली चीज क्या हो गई, कहाँ पर हो रहा है, बघेलखंड में हो रहा है। तो ऐसे याद कर लो, बघेलों को बीच पर जाना बहुत पसंद है ना। किसके द्वारा होता है, तो केवल और केवल पुरुषों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पुरुष जो है ये नृत्य को करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, बीची नृत्य जो है वो कहा जाता है। फिर कास्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, अहीर जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, अहीर जनजाति के द्वारा। अहीर के तो सारे लिख लेना, कौन कौन से लिखवाए हैं मैंने आपको। फिर इसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो ढोल का उपयोग किया जाता है, ड्रम्स का उपयोग किया जाता है ना, नगाड़े का उपयोग किया जाता है। अब इसमें एक ड्रेस रहती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस ड्रेस का नाम लिख लीजिए, डोर चौरासी ड्रेस ये पहनते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एक तो अहीर जनजाति, ठीक है, फिर उसके बाद डोर चौरासी नाम के कपड़े का जो है ये पहनते हैं, ड्रेस जो है ये पहनते हैं। क्लियर है क्या, बात समझ में आई क्या? अच्छा, मैंने दोगरा लिखवाया था क्या, दोगरा लिखवाया था क्या, एक बार बताना। नहीं लिखवाया, कुछ कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो। नहीं लिखवाया तो लिख लो, एक काम करो, एक बार बताइए देता है। अच्छा, लिस्ट में लिखवाया ना, बस वही पूछ रहा था। अगला लिखिए डोगरा। डोगरा डांस, डोगरा नृत्य, डोगरा नृत्य। ये जो डोगरा नृत्य है, ये जो डोगरा डांस है, ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, फीमेल्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा ये डोगरा नृत्य जो है वो किया जाता है। और इसमें भी किसके द्वारा किया जाता है, अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा किया जाता है ना, अविवाहित लड़कियों के द्वारा ये किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम, जिसको हम कहते हैं डोगरा डांस। अब ये किसके लिए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये होता है बारिश को बुलाने के लिए, फॉर कॉलिंग रेन्स, बरसो रे मेगा मेगा, बस वो यही गाना था, है ना, बारिश को बुलाने के लिए। अब उसके लिए तो रोना पड़ेगा, ये नाच रहे हैं, उसके लिए रोना पड़ता या हंसना पड़ता, मेरा यार हंस रहा बारिश की जाए, उनके बाप क्या है। अब इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ये तीनों ही चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, थ्री मार्कर में पूछा जा सकता है। जैसे कि भाई डोगरा डांस, तो आपको लिखना रहेगा डोगरा डांस जो है वो कहाँ पर किया जाता है, तो डोगरा डांस जो है बघेलखंड में किया जाता है, बारिश बुलाने के लिए बघेलखंड में डांस किया जाता है, जिसको डोगरा डांस कहते हैं, अविवाहित महिलाओं के द्वारा ये डांस जो है वो किया जाता है। क्लियर है, डोगरा बता दिया, बीची बता दिया, राई बता दिया, केमली हो गया, कलश हो गया, सुआ हो गया, सारे हो गए, कोई सा बच रहा है क्या? कर्मा, कर्मा के अलावा बिरहा बता दिया मैंने, बिरहा बताया कि नहीं, नहीं बताया ना, कर्मा तो लिखवा रहा हूं, पहले बिरहा लिख लो, बिरहा डांस, बिरहा नृत्य, आप बोलो कम करते हैं श्रेया जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कम
कर देंगे। अच्छा एक चीज बताओ, फिर पढ़ाता हूँ आगे। आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा, आपको दूसरे फैकल्टीज ने भी पढ़ाया होगा ऑनलाइन ऑफलाइन में, इतना पढ़ाया है क्या किसी? नहीं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको नहीं, जो पहले पढ़ चुके हैं या किसी बुक में देखा हो, सिलेबस में देखा हो। बुक में भी नहीं है। चलिए ग्रेजुएशन पे पढ़ा था, ग्रंथ लिख रहा है वो तो जरूरी है भाई, अपन इसमें तो एमपी में तो ले ही नहीं सकते ना यार, भाई कम ले ले। चलो बिरहा नृत्य के बारे में लिख लीजिए, इसी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, पहले तो कम्युनिटी लिख लो, किस कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। तो बिरहा नृत्य भी जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, अहीर जाति के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है, किस समुदाय के द्वारा किया जाता है, तो अहीरों के द्वारा किया जाता है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसी वजह से इसे कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज अहिराई डांस, इट इज ऑल्सो नोन एज अहिराई डांस। अब क्वेश्चन कैसा जाएगा, इनमें से किसे अहिराई नृत्य कहा जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को अहिराई डांस कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज अहिराई डांस। इसे अहिराई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अहीर करते हैं। चलिए हाँ, इतना डांस किसी ने नहीं किया। अब अहिर डांस में आगे लिखिए, ये कब होता है, किस ओकेशन पर होता है, किस पर्व पर होता है, तो उसके बारे में लिख लीजिए भाई, किस ओकेशन पर होता है या किस पर्व पर होता है। तो ओकेशन में लिखेंगे, ये होता है शादी पर और दिवाली पर, मैरिज पर है ना, शादी में होता है, प्लस दिवाली के टाइम पर भी होता है, शादी पर और दिवाली के टाइम पर ये फेस्टिवल का ये डांस करते हैं, जिसको बिरहा नृत्य जो है वो कहा जाता है। अब इसको किसके द्वारा किया जाता है, इसमें परफॉर्मर कौन है, प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन है, तो इसमें पुरुष एवं महिलाएं दोनों ही करते हैं, पुरुष एवं महिलाएं दोनों ही करते हैं, पुरुष एवं महिलाएं दोनों ही करते हैं। और इसकी थीम क्या है, किस विषय वस्तु पर है, या कैसे ये होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्वेश्चन आंसर स्टाइल में होता है, प्रश्न उत्तर शैली में होता है, प्रश्नोत्तर शैली में यह होता है, क्वेश्चन आंसर स्टाइल में यह होता है। अब देखो, जब आप एक बार पूरा इनको लिख लोगे, फिर इनके चार्ट बना लोगे, फिर इनके छोटे छोटे चार्ट बनाना, छोटे छोटे वो बनाना, बॉक्सेस बनाना, कैसे बनाओगे वो बता देता हूँ। जैसे अहीर जाति के द्वारा ये डांस किए जाते हैं, जैसे क्वेश्चन आंसर वाले ये डांस है, ये डांस केवल पुरुष करते हैं, ये डांस केवल महिलाएं करती हैं, ये डांस फसल से रिलेट कर रहा है, जब फसल से रिलेट कर रहा है तो बारिश से रिलेट कर रहा है, पकने के टाइम पर, लगाने के टाइम पर, ऐसे करके। तो इससे क्या होगा, ये छोटे छोटे से जो चीजें बनेंगी ना, ये आपको एग्जाम में ऐसी क्लिक होंगी कि यार हाँ भाई ये तो पूरा अपने को पता है, तुमने एक पूछा हम तो चार चार बता देते हैं, है ना। तो ये चीजों का विशेष विशेष तौर पर आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए बिरहा डांस आपका हो गया, अब बिरहा के बाद लिख लो अगला भाई कर्मा, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा। हाँ अरे इसका बहुत बहुत हेल्प मिलेगी आपको। अगला डांस लिखिए कर्मा डांस, कर्मा नृत्य। अब कर्मा नृत्य जो है वो कहां पर है, तो इसकी भी लोकेशन तो वही आ जाएगी, स्थान तो वही आ जाएगा, बघेलखंड में आपको कर्मा नृत्य जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, बघेलखंड में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, कर्मा नृत्य जो है वो देखने को मिल जाएगा। कर्मा डांस जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो समुदाय का नाम लिख लीजिए, किस समुदाय के द्वारा किया जाता है, कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। अब
ये जो है ये गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है प्लस बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, कर्मा मेंस का क्वेश्चन है, विशेष विशेष तौर से ध्यान रखना है ना, मेंस का क्वेश्चन है, विशेष विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है गोंड प्लस बैगा जनजाति दोनों के द्वारा किया जाता है। फिर अगली बात करें इंस्ट्रूमेंट की, कि इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, इसमें कौन सा वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो वाद्य यंत्र होता है जिसे मंडहार कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है विशेष तौर पर ध्यान रखना विशेष वाले पर। ठीक है, अब मंडहार हो गया कि भाई ये जो है वाद्य यंत्र हो गया इसमें, फिर गोंड प्लस बैगा जनजाति करती है और बघेलखंड में आपको ये डांस जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसे ही इस डांस को ही क्या कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ही कहा जाता है किंग ऑफ फोक डांस, लोक गीतों का लोक नृत्य का राजा कहा जाता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि लोक नृत्य का राजा जो है वो किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इसे ही लोक नृत्य का राजा कहा जाता है। ठीक है, फिर अब ये कर्मा नृत्य का ही नाम किसमें है, तो इसी का नाम आपको, एकमात्र हमारा ऐसा फोक डांस है जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम जो है वो दर्ज है, जिसमें 3000 से भी ज्यादा लोगों ने डांस किया था एक साथ, है ना, 3000 से भी ज्यादा लोगों ने एक साथ से डांस किया था और इसी वजह से इसका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था। तो क्या क्या चीजें अभी तक आपने इसको और पढ़ना है अपने को भी, है ना, इसमें क्या क्या चीजें आपने इंपॉर्टेंट पढ़ी, कि कर्मा डांस जो है वो गोंड प्लस बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसका नाम क्या है, मंडार इसका नाम है, 3050 लोग थे, है ना, अब इसको जो है क्या कहा जाता है, तो लोक नृत्य का फोक डांस का राजा जो है किंग कहा जाता है, और 2016 में इसने एक रिकॉर्ड बनाया था, और वो क्या रिकॉर्ड बनाया था, तो 3050 लोगों ने इसमें डांस किया था, तो ये बना था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब जो आप आखिरी के ये मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जो चारों चीजें देख रहे हो, ये चारों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कब बना था, है ना, लोक नृत्य का राजा किसे कहा जाता है, कर्मा डांस में जो है कौन सी जनजाति भाग लेती है, और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो बजाया जाता है, तो दोनों ही पूछा जाता है, तो विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। क्लियर है, हाँ, ये देखो इस तरीके से डांस हुआ था, 3000 से ज्यादा लोगों ने ये डांस किया था। ठीक है, ऐसे करके 3000 से ज्यादा लोगों ने इसमें डांस किया था। अब इसमें लिख लेना कर्मा डांस जो होता है, यही लिखवा देता हूँ, ये कर्मा डांस जो है ना इसके भी कई वेराइटियां होती है, इसके भी कई टाइप्स होते हैं कर्मा डांस के। ठीक है, अब कौन कौन से टाइप होते हैं, तो वो लिख लीजिए कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला लिखेंगे कर्मा लंगड़ा, अब इंग्लिश हिंदी दोनों में नाम सेम ही है, तो मैं इसको हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, कर्मा लंगड़ा। दूसरा नाम लिखेंगे कर्मा झूमर। तीसरा लिखेंगे कर्मा लहंगी। चौथा लिखेंगे कर्मा रागिनी। और पांचवा लिखेंगे कर्मा झरनी। सिक्स नंबर पर लिखेंगे कर्मा थाड़ा। अब याद रखना, इस तरह से भी पूछा जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा कर्मा नृत्य का प्रकार नहीं है, है ना, और वो कहते हैं कर्मा हेमा, कर्मा पुष्पा, कर्मा रागिनी, है ना, इस तरह से आपको ऑप्शन देते हैं, तो आपको याद रखना है कि भाई कर्मा रागिनी तो है, हेमा पुष्पा नहीं है, कर्मा धोती, कर्मा लहंगा, कर्मा लुंगी, तो आपको याद रखना, ये चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी भैया, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इनमें से कौन सा नहीं वाले क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, तो आपको तैयार होना पड़ेगा। फिफ्थ है कर्मा झरनी,
ठीक है, अब यहां तक लिख लिया हो तो बताओ। अब लिख लिया यहां तक? अब वो मेन चीज याद कराना है ना यार, इसीलिए आपको इतनी सारी ऐसी चीजें बोलनी पड़ती है जिससे आप एक्टिव भी बने रहो, क्लास में बोरियत भी ना हो और आपको कुछ चीजें समझ में आ जाए। जर्नी एंड थाड़ा, हाँ जर्नी एंड थाड़ा लास्ट में, PHADEHA। अब इसके बारे में नेक्स्ट लिखेंगे, ये डांस जो है वो कैसे होता है ना, तो इसका फॉर्म जो है वो कैसा रहता है ना, इसका रूप जो है वो फॉर्म जो है वो कैसा होता है, तो ये सर्कुलर में लोग खड़े रहते हैं है ना, गोला गोला बनाकर खड़े रहते हैं है ना, गोला बनाकर खड़े रहते हैं, और बेसिकली कितने होते हैं तो इसमें आठ, वो ज्यादा भी हो सकते हैं पर बेसिकली ऐसा रखा जाता है कि आठ पुरुष एवं आठ महिलाएं जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है, मतलब आठ के रूप में करते हैं। फिर इसकी थीम क्या रहती है, इसका विषय क्या रहता है, किसके लिए किया जाता है, तो कर्मा देवता को पूजने के लिए किया जाता है इस डांस को, वर्शिपिंग ऑफ कर्म देवता, कर्मा देवता, कर्मा देवता को पूजने के लिए किया जाता है, कर्मा देवता को पूजने के लिए ये डांस जो है वो किया जाता है, जैसे हम क्या कहते हैं, कर्मा डांस जो है वो कहते हैं। वो हाँ, इसमें एक और चीज है, एक और चीज है वो आप लिख लेना। अब इस डांस में होता क्या है, तो इस डांस में ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कि भाई ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है ना, ये आठ लोग हैं, इधर भी आठ लोग हैं, इधर भी आठ लोग हैं, तो ये सब पास आएंगे फिर दूर जाएंगे, ये एक दूसरे के पैर छूने की कोशिश करते हैं है ना, और फिर दूर जाएंगे, इस तरीके से ये डांस जो है वो करा जाता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, कभी आपसे पूछ ले कुछ इस तरह का, तो क्या होता है, इसमें पैर छूने की प्रथा है, पैर छूने की कोशिश करी जाएगी, आगे जाएंगे डांस करते करते, पीछे जाएंगे डांस करते करते, और एक दूसरे के पैर छूने की जो है वो कोशिश जो है इनके द्वारा करी जाती है। क्लियर? ठीक है, चलिए अब अभी की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, मैं भी वही बोलने वाला था कि अभी की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं, अब अगली मुलाकात आपसे 12:15 बजे होगी, तो इसके आगे अपन पढ़ना चालू करेंगे है ना, बघेलखंड के सॉन्ग खत्म कर लेंगे और उसके बाद फिर ड्रामा जो है वो चालू कर देंगे कि भाई ड्रामा में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आज अपन बघेलखंड और मोस्ट प्रोबेबली ड्रामा वाला पार्ट जो है वो खत्म कर लेंगे, तो कल से फिर विंटर चालू हो जाएगा, फिर म्यूजिशियन चालू हो जाएगा, फटाफट जो हम चाह रहे थे कि भाई अब तो कोई दिक्कत नहीं भाई किसी को कि सर आर्ट एंड कल्चर कब कराओगे, अब समझ में आ गया, कराते हैं तो कैसे होता, फिर दिन में 4-4, 5-5 घंटे पढ़ो बैठे करो यार। व्हाट्सएप वाला डाउट एक बार और भेजना भाई, किसने क्या व्हाट्सएप वाला डाउट भेजा, मैंने देखा नहीं, मतलब देखा भी होगा तो भूल गया हूँ, एक बार वापस अभी री मैसेज कर देना तो मैं देख लूंगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब अगली क्लास में, पहले ही बता दूं 12:15 बजे आपकी एक क्लास रहेगी है ना, और उसके बाद 4 PM पर क्लास रहेगी। हाँ, वो मोती महल वाला शाम को बताऊंगा, 4 बजे बताऊंगा इसके लिए। धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सच में, वो भी फ्री में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपको पसंद आ रहा है, ऐसे ही आप लोगों को शेयर करिएगा जिनको और को पढ़ना हो, जो सीरियस हो पढ़ने के लिए, कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं उनको बताइएगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब 4 PM पर आपसे मुलाकात होगी YouTube पर, जहाँ पर MPGK के MCQ करेंगे, और 12:15 बजे अपन क्या करेंगे, स्पेशल क्लास में इसके आगे का जो है वो पढ़ेंगे, स्पेशल क्लास में इसके आगे का। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।